नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और सियासत का महासंग्राम। तेजी से बदल रहे हैं समीकरण और महासंग्राम कब थमेगा, यह अभी तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। 16 तारीख से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होना है और उससे लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है। लेकिन इसी बीच खबर सबसे बड़ी अब यह है कि थोड़ी देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अब विधानसभा सत्र को लेकर, विधानसभा में सुरक्षा को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी की मांग की गई है और त्यागपत्र की पुष्टि करने आज विधानसभा में तमाम सारे विधायक पहुंचने वाले हैं। 19 विधायक हैं जो इस वक्त बेंगलुरु से लौटने वाले हैं भोपाल, वहां पर बस भी लगा दी गई और चर्चा यह है कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको लेने इस समय एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा, विधानसभा के सुरक्षा अधिकारी ने डीजीपी को पत्र लिखा और कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को यहां तैनात किया जाए क्योंकि स्थितियां जो है वो ठीक नहीं है। उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है और पत्र के जरिए ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह की, इस पत्र में लिखा है, अनुरोध है कि माननीय विधानसभा सदस्यों के त्यागपत्र की पुष्टि हेतु आज दिनांक 13/3/2000 को अपराह्न 3 बजे से माननीय अध्यक्ष विधानसभा द्वारा विधानसभा सचिवालय में आमंत्रित किया गया है, लेकिन इस संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र के अनुसार उनके द्वारा सुरक्षा हेतु केंद्रीय पुलिस बल की मांग की गई, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपयुक्त अनुसार माननीय सदस्यों को 22 द्वारा संलग्न पत्रों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करें। दरअसल ये जो विधानसभा में सुरक्षा की मांग भी की गई है, तो उन विधायकों ने पत्र विधानसभा अध्यक्ष को लिखा था और ये कहा था कि हमें केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसके आधार पर फिर वहां जो सचिवालय के, विधानसभा के जो सुरक्षा अधिकारी है उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा है और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी मांगी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, खबर यह भी आ रही है कि थोड़ी ही देर में जो बेंगलुरु में विधायक है वो पहुंचने वाले हैं और 3 बजे के करीब उनको समय दिया, जैसे इस पत्र को यदि हम आधार मान लें तो इस पत्र के आधार पर करीब 3 बजे वो विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है और उनको लेने ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पहुंच रहे हैं। राजेश, चलिए मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त वहां है लेकिन वो मेरे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे और ताजा किस तरह का घटनाक्रम है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वासुदेव शर्मा जी। वासुदेव जी, स्वागत है आपका। लेकिन तेजी से घटनाक्रम बदल रहा और मुझे लगता है आपको भी लंबा वक्त हो गया है, हम तो खैर आपसे बाद में आए पत्रकारिता में, लेकिन ना तो आपने ऐसा सीन देखा होगा पहले कभी, ना हमने देखा है। ये जो घटनाक्रम है ये दूसरे स्टेट में दिखाई देते थे, कभी बिहार में हमने देखा है या अन्य जगह, लेकिन यहाँ भी तेजी से जो घटनाक्रम बदला है, सियासत बदली है, क्या कहेंगे? अब तो सुरक्षा एजेंसी भी मांगी गई है। निश्चित रूप से मनोज भाई, मध्य प्रदेश में ये पहली बार ऐसा राजनीतिक अस्थिरता का वक्त आया है जो आपको ये हालत बनते हुए नजर आ रहा है। ये कहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों की मांग की जा रही है, मतलब टकराव की स्थिति तो बन चुकी है लगभग लग। जी जी, है ना जी। और टकराव की स्थिति बनने के कारण भी है कि जिस तरीके का ये घटनाक्रम घटा है भाई, इसको कांग्रेस के नीचे का कार्यकर्ता भी इसको पचा नहीं पा रहा, उसके अंदर भी गुस्सा है और इसकी अभिव्यक्ति तरह तरह से हो भी रही है जी। ताजी अभिव्यक्ति यही थी कि विधानसभा अध्यक्ष के ट्विटर हैंडल को उनके किसी कार्यकर्ता ने विधानसभा सत्र बढ़ाने के नाम से वो कर लिया जी। ये भी एक गुस्सा था जी कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हो। तो ये जो चीजें, स्थितियां बढ़ रही हैं मनोज भाई, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। जी जी, अब हाँ हाँ कहिएगा। अब ये स्थिति बनी कैसे? अब बनने की जगह इसको अगर दो शब्दों में कहा जाए तो बूढ़ी कांग्रेस को जवान कर के चक्कर में कांग्रेस गच्चा खा गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जो है युवा लीडरशिप को खड़ा करने के लिए उसने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति में वो फैल हो गई जी। और उसका खामियाजा उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा आक्रामक लोकप्रिय व्यक्ति को कीमत चुका के करनी पड़ रही है। और इस से निश्चित रूप से कोई खुश नहीं है कांग्रेस में। मैं आपको ये भी बताऊं, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब सोनिया गांधी से लेके और कमलनाथ जी तक, कोई इस घटनाक्रम से खुश नहीं है कि सिंधिया जी के जाने से घर ये खुश, ऐसा नहीं है।
दुखी सभी है पूरा और दिख भी रहा है। एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसा चेहरा मुझे लग रहा है देश की राजनीति में यदि आप दूर तक निगाह दौड़ाते हैं तो एक इस तरह का चेहरा नजर नहीं आता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की। देखिए इस समय सबसे ज्यादा जो वोटर है वो यूथ है और यूथ को टारगेट किया नरेंद्र मोदी ने और उसी के बल पर दूसरी बार सरकार आ गई। अब अगले यूथ को टारगेट करने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लग रहा है वो इस चेहरे को पकड़ने में कामयाब हो गए। निश्चित रूप से देखिए अब अगर आप थोड़ा राजनीतिक बात करें जी, जी, तो बीजेपी आज की राजनीति नहीं करती है, वो आने वाले समय के लिए राजनीति करती है। वो जी जी निश्चित रूप से सिंधिया जी को आज उनने लिया है, इससे बीजेपी को सिर्फ इतना फायदा होगा कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन जाएगी, ठीक है जी। लेकिन क्या इतने भर के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठाएगी कोई पार्टी जो है? क्योंकि बीजेपी आज देखा जाए तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जी, उसके पास सबसे ज्यादा सांसद है, सबसे ज्यादा MLA है। इस बार सत्ता में नहीं थे मध्य प्रदेश में, अगले चुनाव में आ जाते वो, तो मध्य प्रदेश की सत्ता के लिए तो उन्होंने ये कदम नहीं उठाया है, वो आगे की राजनीति करते हैं। इसमें उनके जो ज्योतिरादित्य को अपने साथ लाने के पीछे का उनका अपना जो राजनीतिक समझ रही होगी वो समझ ये है कि उन्होंने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी। अब अंतर समझिए आप यहाँ से भाई जी, कांग्रेस अपनी आज की राजनीति में असफल हो रही है, वहीं बीजेपी 2024 की राजनीति करना शुरू कर रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, और ये बीजेपी है और इसीलिए इस बीजेपी से अगर कांग्रेस को निपटना है, लड़ना है, तो निश्चित रूप से उसको अब ठीक है ज्योतिरादित्य की कीमत चुकाने के बाद भी उनको संभलना पड़ेगा। सत्ता सरकार तो रहती है नहीं रहती, अब रही 1.5 साल तक, तो इस 1.5 साल में मेरे को लगता है कांग्रेस के अंदर जितना कार्यकर्ताओं में असंतोष उभरा है उतना उन 15 सालों में नहीं उभरा था जी जी। और इसीलिए आपने इतनी उठापटक के बाद देखा हो तो कांग्रेस के लोगों ने स्वतः स्फूर्त जो गुस्सा होना चाहिए था कि सरकार गिराने के लिए बीजेपी के खिलाफ, वो गुस्सा नहीं दिखाई दिया जी। वो अब शुरू हो रहा है कि भी लोगों में आक्रोश बन रहा है कि भाई ये हमारे साथ धोखा हुआ, लेकिन शुरुआत में ये नहीं दिखा था। तो निश्चित रूप से सरकार चलाते हुए इन 1.5 सालों में, 1.25 सालों में कमलनाथ जी ने भले ही बहुत प्रशासनिक स्तर पर और कुछ विकास के कार्य, कुछ और वचन पत्र के हिसाब से कुछ भी किया होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को अंदर निराशा तो थी है, और उस निराशा के कारण भी ज्योतिरादित्य को इतना सपोर्ट मिला है। भाई ज्योतिरादित्य के कदम से दुखी सारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि तो क्या करते हम इसकी स्थिति में, ये स्थिति भी है। इसलिए इस संकट से कांग्रेस कैसे उभर पाएगी, अब कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए, मेरा अपना मानना यह है। और इस तरह तमाम तरह की खबरें आ रही है और आप जो गणित देख रहे हैं, यदि मान लीजिए 19 विधायक 19 या 22 जो भी है विधायक यदि आ जाते हैं तो समीकरण कैसा बदलेगा, कहां जा रहा है ये समीकरण? क्या प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं उनको लेने एयरपोर्ट, सुरक्षा एजेंसी अलग अलग तरह की मांग की जा रही, विधायकों को लिखना पड़ा है कि हमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी चाहिए, तो क्या मध्य प्रदेश की एजेंसी पर विश्वास नहीं है? देखिए ये जो है सुरक्षा को सिंधिया जी को खुद लेने जाना पड़ा है, मामला ये है तो सही, बहुत गंभीर मामला है। और गंभीर मामला क्यों है मैं आपको बताऊं जी, कि ऐसा कोई टकराव नहीं होने वाला है, ऐसा कोई वहां पे मतलब खून खराबा भी नहीं होने वाला जी, है। लेकिन देखिए क्या है कि जितने जो विधायक गए हैं इन विधायकों के जो समर्थक हैं उनके क्षेत्रों के वो लोग भी आए हुए हैं भोपाल में जी, उन जो उनके समर्थक है नीचे का कार्यकर्ता है वो कतई नहीं चाहता कि ये लोग बीजेपी में जाएं जी, तो इसलिए इनके कार्यकर्ताओं मतलब विधायकों के कार्यकर्ता उनके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं इनके बीच में भी कोई टकराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए ये सुरक्षा बलों के मांग की गई है। दूसरा, सिंधिया जी को अभी भी ये लग रहा है कि उनके जो 20-22 विधायक हैं उसमें से कुछ लोग जो है विधानसभा तक पहुंचते पहुंचते या जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तब तक जो है वो अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को बदल सकते हैं, ये डर अभी सिंधिया जी को भी और बीजेपी को भी है, इसलिए वो ये तमाम सारी सावधानियों को बरत रहे हैं। आज मतलब सिंधिया जी जिस तरीके से कल जैसे कल के बाद शिवराज सिंह के यहाँ डिनर पे गए, आज लंच पे गए, और बीजेपी के नेताओं के साथ में जितने वो दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि भाई आप भी हमारे विधायकों को बचाने में हमारे साथ खड़े हो जाइए, तो खतरा तो कहीं ना कहीं है।
ये वो बस है जिस बस में सवार होने वाले हैं विधायक थोड़ी देर में। ये बस की जो तस्वीरें दिखाई जा रही है और इस समय देखिए भारी सुरक्षा बल वहां तैनात किया गया नजर आ रहा है और इन बसों में सवार होकर विधायक थोड़ी देर बाद जैसे ही चार्टर्ड वहां पे पहुंचते हैं, बेंगलुरु से दो चार्टर्ड प्लेन आ रहे हैं जिसमें सारे विधायक रहेंगे और वो सीधे विधानसभा जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। इसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक जो चार्टर्ड विमान का लेटर मेरे पास है उसमें अमरीक सिंह है, राहुल सिंह जो कैप्टन है वो इस विमान को लेकर आएंगे और सुरेश धाकड़ है, जसवंत जाटव है, इमरती बाई है और इसके बाद रमाकांत है, मनोज चौधरी है, पुनीत शर्मा है और साथ ही इंदल सिंह कंसाना भी है, अरविंद सिंह भदौरिया है, मोहन सिंह है और एक और कोई दिखाई नाम इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिला के यहां में जो मुझे संख्या दिखाई दे रही वो 19 के लगभग दिखाई दे रही है वासुदेव जी, 19 विधायक यहां आ रहे हैं, 19 विधायक आ रहे हैं, बाकी जो तीन और बचे मेरे। हाँ वो देखना पड़ेगा कि ये जो संख्या है जो मुझे दिखाई दे रही है वो 19 के लगभग इसमें दिख रही है। तो यही तो 1922 का जो आंकड़ा जो चल रहा है इतने दिनों से ये यही सिंधिया जी के मतलब साथ गए हैं और इन्हीं में से कांग्रेस 19 में से कांग्रेस कुछ अपने साथ लाना चाहती है, उनका टारगेट 10-12 लोग विधायकों को वो सहाय। लेकिन मुझे आपको लग रहा है कि ये सब अब यदि मान लीजिए जिस तरह की तैयारियां कर रखी है इन्होंने, आप देखिए किस तरीके से रणनीति बनाई है कि कल तक किसी को पता नहीं था, उनको अब लाया जा रहा है और पेश किया जाएगा और पेश करने के साथ कुछ सिंधिया यहाँ बने हुए हैं, तो क्या सिंधिया भी ये समझ रहे हैं कि मेरा होना बहुत जरूरी है वरना मामला फैल जाएगा? निश्चित रूप से देखिए क्या है कि ये तो आप भी महसूस कर रहे होंगे कि कोई भी विधायक कम से कम जो है ये जो 19 विधायक हैं उन 19 विधायकों में से ज्यादातर विधायक नहीं चाहेंगे कि वो इलेक्शन में जाएं जी, और जी। उनको ये गारंटी भी नहीं है कि इलेक्शन में जाएंगे तो हम जीत के आ जाएंगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे इंदल सिंह कंसाना जी हैं जी, वहाँ गजराज सिंह सिकरवार के साथ उनकी डायरेक्ट है, पिछले चुनाव में भी उनके भाई की मौत हुई थी जी जी, ऐसे दमदार लोग हैं मतलब जी, रघुराज कंसाना के खिलाफ रोस्तम सिंह जी है, ये रणवीर जाटव के खिलाफ लाल सिंह आ रहे हैं, मुन्ना लाल गोयल के खिलाफ वो पर्या सिकरवार सतीश सिकरवार है, ये मतलब और आपके प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ पवैया जी है, ये जो पूरी लॉबी है मतलब एक दूसरे प्रतिद्वंदी है जी, तो इनके हाथ इनको छोड़कर बीजेपी इनको टिकट देगी एक तो सवाल ये भी है संशय का विषय, अगर दे भी दिया तो ये लोग इनको जीतने देंगे क्या जी, ये भी एक बड़ा वो है जीतने देंगे क्या। दूसरा तो इसी संशय में ये जो 19 लोग हैं वो चुनाव में जाने के लिए तो कतई तैयार नहीं है, जहां तक मेरे को जानकारी मिली थी और जो चर्चा में था जिसकी अभी तक चर्चा नहीं हुई, एक्चुअली में जब ये लोग गए थे जी पहुंचाया जा रहा था तब ये चर्चा थी कि 20 लोग और आ रहे हैं, 20 लोग और आ रहे हैं, ऐसे तुम 40 हो जाओगे तब हम एक अलग ग्रुप बनाने की चर्चा थी, इस चर्चा के कारण ये लोग गए हैं। अगर ये चीज पहले बात क्लियर होती कि भाई अपन को सदस्यता छोड़नी पड़ेगी तो शायद ये नहीं जाते, तो इसी कारण से कि इनको जो कह के ले जाया गया था वो हुआ नहीं। अच्छा ये जो सूची आई इसमें एक बड़ा दिलचस्प बात है कि ये सूची जो दिखाई दे रही है, जो मेरे पास सूची मौजूद है, इस सूची में कहीं एक विधायक हरदीप सिंह डंग का नाम नहीं है, तो इसको कैसा देखेंगे? डंग तो अभी तक तो उनके साथ ही है लेकिन इस सूची में नाम नहीं है, तो ये इसको कैसे देखेंगे? अब वो दूसरे किसी उसमें आ रहे होंगे या पहले आ गए होंगे या वो भदौरिया जो के साथ में होंगे, मतलब होंगे तो सही उसी में होंगे, नाम नहीं लिख पाए होंगे डंग के, क्योंकि अभी तक डंक आए तो नहीं है यहाँ पे। नहीं ये जो सूची है ऑथराइज सूची है जो चार्टर्ड की तरफ से जारी की जाती है, ऑनलाइन सूची है जिसमें दिखाई दे रहा है कि इन चार्टर्ड विमान में ये कैप्टन होंगे, इतने लोग सवार होंगे, तो उससे ज्यादा तो कोई बैठ नहीं सकता जिस तरह की जो जानकारी है, तकनीकी रूप से भी आप देखेंगे मगर उसमें डंग का नाम दिखाई नहीं रहा, तो डंग का कहीं डर तो नहीं था कि जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा? तो निश्चित रूप से हो सकता है, तो डंग को रोक लिया होगा, हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक वो आए तो है नहीं है, अगर आए होते तो आप लोग थोड़ी छोड़ते अभी तक, तो क्या होता कहीं, तो हो सकता है उनको रोक के रखा हो बिल्कुल जी जी। और मनोज चौधरी को भी ये ला रहे हैं, मनोज चौधरी के भी परिवार का बहुत दबाव है, मनोज चौधरी जीतू पटवारी का रिश्तेदार भी है आपको साथ जानकारी है, दोनों मौसी के लड़के हैं भाई भाई जी, तो बहुत देखिए इस 19 में से कुछ न कुछ तो पलटी खाएंगे।
जी। और यही इनकी रणनीति है, सरकार की सत्ता पक्ष की यही रणनीति है कि वो थोड़ा समय ले और जो समय मिलेगा उस समय के दौरान वो इन विधायकों से संवाद करें, बातचीत करें जी। वो खुद बातचीत करें, उनके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बातचीत कराएं, उनके नेताओं से बातचीत कराएं। देखिए अभी तक कितनी बड़े ग्वालियर का जगह सिंधिया जी ग्वालियर के हैं, अभी तक ग्वालियर के जो जिला अध्यक्ष हैं देवेंद्र शर्मा जी वो सिंधिया जी के साथ नहीं गए हैं जी जी जी, वो है उनके साथ नहीं गए। हाँ। तो आप ये अभी ये तय हो पाना कि ये सारे के सारे लोग चले ही जाएंगे बीजेपी में, ये भी अभी तय होना है आने वाले दिनों में। पर आप देखिए कि लगातार चीजें बदल रही है, यानी इस समय एयरपोर्ट पर इंतजार किया जा रहा है उन विधायकों का, हरदीप सिंह डंग इस सूची में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनको जब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो जो विधायक इस्तीफा दिए वो मेरे सामने आकर व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत हो, तो आज भारतीय जनता पार्टी उनको प्रस्तुत भी कर देगी जैसा कहा जा रहा है। भले बीजेपी उसमें ये कहे कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लगातार कह रही, सारे विजुअल में दिखाई दे रहा है कि हाथ किसका है, सब कुछ नजर आ रहा है। उनका इस्तीफा लेके भारतीय जनता पार्टी के भूपेन्द्र सिंह पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी कह रही है वो तो अपने मन से है, वो नहीं आ रहे। जहां तक आप बात कर रहे हैं मनोज चौधरी की, लेकिन मनोज चौधरी भी इस सूची में है और साथ पहुंच रहे हैं, तो क्या घर वालों की बात नहीं मान रहे वो? अब ये तो क्या है, लेकिन डाउट तो है। देखिए उम्मीद जो कांग्रेस को जिन विधायकों पर उम्मीद थी कि और जिनसे आशा थी, जैसे कि एक रणवीर जाटव है गोद वाले, रणवीर जाटव से कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि ये वहां से बाहर निकल के आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि गोविंद सिंह ने उनको टिकट दिलवाया था, गोविंद सिंह ने उनको जितवाया था। वो मतलब भले ही वो सिंधिया जी कोटे के हैं, लेकिन गोविंद सिंह ने उनके लिए बहुत मेहनत की थी आपको जी। तो रणवीर जाटव से उम्मीद नहीं थी कि वो जाएंगे, है ना। और इनके पिताजी रणवीर जाटव के जिनकी हत्या हो गई थी, विधायक थे वो, दिग्विजय सिंह के आदमी थे। तो ऐसे कुछ लोग थे जिनसे ये उम्मीद थी है कि ये लोग आखिरी टाइम तक भी वापस आ सकते हैं, है ना। अब इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी का तो जो है हाथ है, ये बात तो साफ होगी। जो दिग्विजय सिंह ने पहले दिन जो बात ट्वीट किया था कि भाई हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है, वो बात तो आज उनकी 100% सत्य हो गई बिल्कुल। और ये आप देखिए कितनी बड़ी तैयारी थी, तैयारी कोई छोटी मोटी नहीं थी जी। पहले कुछ लोग भेजे गए, दो जगह भेजे गए, दिल्ली भेजे गए और बेंगलोर भेजे गए, किस्तों में भेजे गए, मतलब कितने बड़े स्तर पर। और इससे पहले आपको बहुत एक चर्चा भी नहीं हुई है, सिंधिया जी जब पिछली बार यहाँ आए थे, आपको मैं बताऊं जी जी, तब भी ये जो सिंधिया जी सबके यहाँ डिनर पे गए थे ना, सुखदेव पां से, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और विजयलक्ष्मी साधो, मतलब कई लोगों के यहाँ, वो ऐसे लोगों के यहाँ गए थे जिन जो उनके लोग नहीं है। उस समय इनके विधायकों की मंत्रियों की एक बैठक भी हुई थी जी, उस बैठक में ये चर्चा भी हुई थी। और मेरे कल एक मेरे कांग्रेस के चंबल के बहुत मित्र हैं, उनसे बात हुई थी कि वो बता रहे थे कि ये बात तो कई दिनों से चल रही थी, लेकिन बात ये चल रही थी कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, अलग पार्टी बनाने की चर्चा थी और अलग पार्टी बनाकर हम लोग मूव करेंगे। मतलब ये कहा जाए कांग्रेस का जो इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह फेल हो गया। नहीं नहीं नहीं, या उसको भाप नहीं पाए। नहीं नहीं, अब आप समझ देखिए, फेल नहीं हुआ, ये कांग्रेस को भी पता था, कांग्रेस के पूरे ऊपर से लेकर नीचे की लीडरशिप को पता था। और ये कब से शुरू हुआ था? जब ज्योतिरादित्य जी ने धारा 370 पर बीजेपी की लाइन ली थी, उसी दिन से गया था कि, और उसके बाद सोनिया जी ने और राहुल ने उनको समझाया भी था और बोले ये लाइन कांग्रेस की, इससे हमारी फजीयत हो रही हुई थी, मतलब कि कांग्रेस के लोग भी मतलब ये कर रहे हैं। और उसके बाद में कांग्रेस ने क्या तैयारी की? कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी चंबल में शुरू कर दी थी। आपको बताएं, ये जो अपेक्स बैंक के अध्यक्ष हैं अशोक सिंह की नियुक्ति किस लिए हुई थी? अशोक सिंह की नियुक्ति सिर्फ इसलिए हुई थी कि चंबल में कांग्रेस को बनाए रखने के लिए, ये सिंधिया जी को चुनौती थी कि भाई सिंधिया जी के, क्योंकि अशोक सिंह का परिवार तो महल के खिलाफ राजनीति करता रहा है ना, वो कक्का दौगर सिंह का अपना इतिहास रहा है राजनीति की, वो जी, मतलब जी। तो अशोक सिंह की नियुक्ति करके कांग्रेस आला कमान ने, वो कोई कमलनाथ जी की नियुक्ति नहीं थी, आप सोच रहे होंगे कमलनाथ जी ने अकेले नियुक्ति कर दी होगी, या दिग्विजय सिंह, आला कमान की तरफ से स्वीकृति मिलने के बाद अशोक सिंह की नियुक्ति हुई थी। यानी सिंधिया जी को जो बता दिया गया था कि भाई आप अगर मनमानी करोगे ठीक है तो हम आपके साथ ऐसे आ सकते हैं पेश। तो कांग्रेस ने फिर अपनी तैयारी चंबल में करना शुरू कर दी। जाए फूल सिंह बरैया को आज नामांकन भराया है, भले ही वो हार जाए, ये इसको आप क्या समझ रहे हैं, ये भी चंबल की तैयारी है।
फूल सिंह बरैया का वहाँ दलितों में बड़ा वेश है जी, जी, और जी। वो महल के खिलाफ जितनी मुखरता से बोलता रहा है और महल के खिलाफ वो जितने आक्रामकता से राजनीति उसने की है वो इनका उपयोग करेंगे भाई, फूल सिंह बरैया को उतारेंगे वो। तो ये कांग्रेस ने भी तैयारी की थी जी, जी। अब बात आती है कि समझौते भाई दोनों तरफ से जब तलवारें खिंच गई थी तो समझौते का कोई रास्ता बचा था क्या जी? ये बात सही है कि अगर कहीं से अगर ऐसी प्रयास कहीं से किए जाते कि इस तनातनी के बीच में भी सिंधिया जी को मना लिया जाता और उन्हें कुछ समय तक रोक के रखा जाता। ये देखिए आप टीवी स्क्रीन पर जो सूची मैं आपसे जिस सूची का जिक्र कर रहा था आपको दिखाई दे रही होगी, ये वही सूची है, इसमें 19 नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन हरदीप सिंह डंग का नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सूची अथराइज सूची है जो जब चार्टर्ड विमान में आप बैठते हैं तो बाकायदा एक सूची बनाई जाती है कौन कौन इस विमान में रहेगा, कौन कैप्टन रहेगा, कितने बजे निकलेगा, कितने बजे लेके जाएगा, वो सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं हरदीप सिंह डंग की आपसे बात कर रहा था, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो इसलिए देखिए जो तनातनी का वातावरण बना था कांग्रेस के अंदर पिछले काफी समय से, उसी समय ये शुरू हो गया था कि सिंधिया जी कहीं अलग जाने वाले हैं, है ना, और उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का, मतलब खास करके उनके समर्थक जो नेता है उनका ये कहना था कि आप अलग पार्टी बनाइए। तो सिंधिया जी ने जिस तरीके से बीजेपी में जाकर अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं की बात को भी उन्हें नहीं माना है, इसीलिए कांग्रेस को ये उम्मीद है, कांग्रेस के नेताओं को ये उम्मीद है कि ये जो 19 विधायक हैं, उन 19 विधायकों में से कुछ लोग, कुछ विधायक जो है अभी जो खबर आ रही है उसमें सिंधिया समर्थक और कांग्रेस के समर्थक आमने सामने आने की बात कही जा रही है। भोपाल एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और CISF भोपाल पर वहां तैनात है और जिस तरह वहां गहमा गहमी दिखाई दे रही है, मतलब किसी भी बात से इंकार नहीं किया जा सकता, बहुत ही गहमा गहमी है। आपको देखिए ताजा हालात में दिखाता हूं इस वक्त एयरपोर्ट के वहां पर क्या स्थितियां हैं। ये देखिए आप गुड्डू नजर आ रहे हैं, गुड्डू चौहान जो कि पीसी शर्मा के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, कांग्रेस के नेता है, तो ये तमाम सारे नेता वहां पर पहुंचे हुए लेकिन नारेबाजी कर रहे हैं सिंधिया के खिलाफ। और आप देखिएगा इस समय सबसे ज्यादा कोई दिक्कत पैदा होती है तो सुरक्षा एजेंसियों की होती है कि वो क्या करे, और यहाँ कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है क्योंकि जो विधायक लौट रहे हैं वो सभी अभी तक तो कांग्रेस के हैं। और उसके बाद देखिए काफी गहमा गहमी एयरपोर्ट पर दिखाई जा रही है, दिखाई दे रही है, जिसमें तमाम सारे कांग्रेस के लीडर्स भी पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ जो सिंधिया समर्थक है वो भी पहुंचे हुए, तो स्थितियां काफी अजीब सी बनी हुई है एयरपोर्ट के भीतर। और ये देखिए आप सुरक्षा एजेंसियां उनको समझाने का प्रयास कर रही है कि आप ऐसा कुछ मत करिए कि अप्रिय स्थिति यहाँ निर्मित हो जाए, और बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा होगा। आप देखिए ये तमाम अधिकारी अफसर वहां दिखाई दे रहे हैं, ये CISF के अफसर होते हैं एयरपोर्ट पर, वो दिखाई दे रहे हैं और गहमा गहमी है, बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। थोड़ी देर में जो चर्चा है वो करीब 19 विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं और जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो फिर चर्चा भी होगी और समझ भी आएगा कि आखिर उनका रुख है क्या। अभी तक तो जो दिखाई दे रहा है वासुदेव जी, जो 19 विधायक आ रहे हैं जिनका हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं वो, वासुदेव जी। अभी तो सिंधिया जी के समर्थक विधायक हैं तो सिंधिया जी के साथ हैं, तो बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हो तो जी जी स्वाभाविक है। तो कहीं विधानसभा पहुंचते पहुंचते मन तो नहीं बदल जाएगा? नहीं, वही उम्मीदें हैं सबको और वही चर्चाएं भी हैं कि भाई ये लोग वहां से आके जब खुली हवा में आएंगे, मध्य प्रदेश में जब उतरेंगे, भोपाल में उतरेंगे और विधानसभा तक पहुंचेंगे और इस दौरान उनकी किस किस से सामना होता है, क्या उनको महसूस कराया जाता है, क्या एहसास कराया जाता है, उससे निश्चित रूप से ये देखिएगा। ये ताजा तस्वीरें हैं वहां पर किस तरह, आप ये देखिए ये CISF उनको हटा रहा है और ये देखिए दोनों के बीच में झड़प जैसी स्थितियां दिखाई दे रही है। और ये यदि स्थितियां वहां निर्मित होती है तो हमें लगता है बहुत गंभीर विषय हो जाएगा। आप देखिए तमाम इस समय ये जो फोर्सेस दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल एजेंसी होगी मुझे लग रहा सुरक्षा की, CISF के लोग होंगे और इसलिए वहां तैनात किया गया क्योंकि एयरपोर्ट जो आता है वो CISF के अंडर में आता है, सेंट्रल जांच सेंट्रल एजेंसी के अंडर में आता है और इसीलिए घुसने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के कुछ लीडर्स, उनको रोका जा रहा है। और ये जो स्थितियां हैं ये कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात है वासुदेव जी? नहीं, टकराव तो होगा। देखिए मनोज भाई, कांग्रेस भी के जो कार्यकर्ता हैं मैंने कहा जी,
बहुत इतनी आसानी से इस हार को पचा नहीं पाएंगे, अगर सरकार उनके हाथ से जा रही है उसको नहीं पचा पाएंगे। जी जी, क्योंकि वैसे ही 15 सालों में के बाद सरकार मिली है जी, अब उसको इस तरीके से कि भाई उनके लोगों को खरीदा गया, तोड़ा गया, धमकाया गया, ये सब कुछ करके अगर सरकार जाती है तो निश्चित रूप से गुस्सा तो होगा, और ये गुस्सा आज तक का नहीं होगा जी, आगे भी आपको दिखाई देगा जी। तो जी, ये चीजें यहाँ रुकने वाली नहीं है। जब ये भोपाल से जब नीचे पहुंचेंगी तब स्थितियां और भी गंभीर होंगी। अब ये स्थिति देखिए बन क्यों रही है जी, ये बात तो लोग अब कहते हैं कि भाई ये कहा जा रहा है कि सिंधिया जी का अपमान हुआ है, उनका कोई महत्व नहीं रखा गया कांग्रेस में, कांग्रेस ने कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह ने उनको नजरअंदाज किया, ये सारी चीजें चर्चा में आ रही है जी। जी, क्या आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? नहीं देखिए हुआ नहीं होगा, लेकिन कल जब आप सिंधिया बोल रहे थे अपने मंच से तो उन्होंने बाकायदा जो उनका जो स्टाइल होता है भाषण देने का, बात करने का सीधे, वो उनका एक वो होता है कि सामने जो सुनने वाला है कार्यकर्ता वो सीधा मुझसे जुड़ जाए, और वो बार बार माइक को इधर करते उधर करते, उनकी अदा है। लेकिन इसी अदा के साथ उन्होंने पूछा बाकायदा लोगों से कि किसने कहा था कि मैं सड़क पर चले जाऊं, उन्होंने जिक्र किया कि मैं विद्वान शिक्षकों के लिए खड़ा था, अतिथि शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, मैं बात कह रहा था किसानों के कर्ज माफी की, जब मैंने ये कहा कि यदि ये बात नहीं बनी, हमने जो वादा किया उसको नहीं कर पाए, तो मैं खुद आपके साथ उतर जाऊंगा सड़क पर। और फिर उसके बाद कमलनाथ जी का जो बयान आया था, उन्होंने कहा ठीक है उतर जाए, उनसे कहे जब उनसे पूछा गया, और उन्होंने आज कल उसी बात का जिक्र किया, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो बात उनको बहुत चुभ गई हो, और उसी के कारण उन्होंने ये बड़ा निर्णय ले लिया। हालांकि आप भी कह रहे हैं कि बहुत दिनों से ये पूरी खिचड़ी पक रही थी, आखिरकार मौका जब मिला, जब ये दोनों के बीच का जो बयान है वो काफी चर्चा में आ गया, और उसी को उन्होंने मुद्दा बनाया। बस देव जी, अगर मनोज भाई अगर वो बात अगर उनको चुभी होती तो मैं आपको बताऊं भाई, अतिथि विद्वानों का, अतिथि शिक्षकों का धरना तो अभी तक चल रहा है जी। आप वहाँ जा सकते थे ना, आप शहर में थे, आप वहाँ जा सकते थे, आप नहीं गए थे। इसलिए वो तो एक ठीक है, वो जिस तरीके से वहाँ सिंधिया जी को इन लोगों ने घेर लिया था, उन्होंने कहा कि नहीं मैं बात करूंगा जी जी, और अगर नहीं हमारी बात मानी जाएगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा, मतलब आंदोलन करूंगा, उनका कहने का मतलब था कि मैं आंदोलन में शामिल हूंगा जी। जी, तो कमलनाथ जी ने चलते चलते कह दिया, उनकी जो आदत है वो कोई उनने बुरा मान के नहीं कहा था, उनने जिस तरीके रिएक्ट किया था कि भाई ठीक है तो सड़क पर उतरे, बल्कि आंदोलन करे, आंदोलन से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता था, ये बात थी, वो बात वही खत्म हो गई थी, ठीक है ना जी। कोई भी किसी भी वर्ग के आर्थिक सवालों के लिए सिंधिया जी कभी आंदोलनों में नहीं उतरे हैं, उन्हें उतरेंगे वो, है ना। तो ये तो वो था, लेकिन सिंधिया जी के साथ जो स्थितियां बनी जी, ये कोई आज कल या महीने दो महीने में नहीं बनी है। मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले दौरे पे आए थे तब वो यहाँ मीटिंग करके गए थे, प्लानिंग भी हो गई थी कि भाई उनका कार्यकर्ता चाह रहा था कि हम अलग पार्टी बनाए जी, भाई ये उनके नेता चाह रहे थे, सिंधिया जी समर्थक जो नेता है वो चाह रहा था हम अलग पार्टी बनाए, नंबर एक। नंबर दो, देखिए आपने एक चर्चा में बहुत काफी आया है कि अपमान हुआ है उनका, हाँ हाँ। उनकी उपेक्षा हुई है, ये बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ दिनों बाद। चलिए कुछ ताजा जानकारी ले लूं, फिर अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश मेरे सहयोगी इस वक्त एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं। राजेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? जी जी। राजेश, क्या कहेंगे, क्या हालात वहां पर देख रहे हैं? जो विजुअल आप पहुंचा रहे हैं उससे लग रहा है कि टकराव जैसी स्थितियां बन रही है, और बड़ी बात यह है कितनी देर में विधायक पहुंचने वाले? देखिए मनोज जी, आपने कहा कि पर है निश्चित तौर पर तनावपूर्ण है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर तमाम सिंधिया समर्थक पहुंचे हुए हैं, तमाम कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, और यही कारण है कि थोड़ी ही देर पहले जिस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ निर्मित हुई हैं कि जो सिंधिया समर्थक और जो कांग्रेस समर्थक हैं दोनों के बीच में जमकर नारेबाजी हुई, जमकर हंगामा हुआ, और यहाँ तक स्थिति बनी कि बीच में छीना झपटी और एक दूसरे को धक्का मुक्की भी हुई है, और यही कारण है कि जो भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं उनको उन्होंने दोनों को अलग करने की यहाँ पर कोशिश की है। लगातार ये भी यहाँ पर तैयारी है कि गिरफ्तारी को लेकर भी है कि अगर हंगामा और तेज बढ़ता है तो गिरफ्तारी भी यहाँ पर होगी। हालांकि अभी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने सीधे तौर पर जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप केंद्र सरकार पर लगाया, मोदी सरकार पर लगाया कि जो सुरक्षा है
वो उनके इशारे पर यहाँ पर काम कर रही है कोर्ट पर। और निश्चित तौर पर मनोज जी जो तनाव की स्थिति है यहाँ पर अभी बनी हुई है। दूसरी तरफ दो बसें यहाँ पर खड़ी हैं जो तैयारी है कि जो भी विधायक बेंगलुरु यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें इन बसों के जरिए ले जाया जाएगा। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है मनोज जी यहाँ पर कि पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर बेंगलुरु से विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, अभी वो नहीं पहुंचेंगे। कब तक पहुंचेंगे? अभी पुलिस के पास भी सुरक्षा के जो यहाँ पर अधिकारी जो इंतजाम है उनके पास भी ये पुख्ता समय का उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि आखिर वो कितने बजे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बड़ा जमावड़ा यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का यहाँ पर है। थोड़ी देर पहले सज्जन सिंह वर्मा यहाँ पर पहुंचे थे, हालांकि वो यहाँ पर निकल चुके हैं। दूसरी तरफ पीसी शर्मा समर्थक यहाँ बड़ी संख्या में है। शोभा ओझा भी यहाँ पर पहुंची थी, वो भी अभी यहाँ से फिलहाल कहीं ना कहीं निकल गई है। और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहुंचने के थोड़ी देर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचने वाले हैं। और यही कारण है कि जो विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। तो दूसरी तरफ सिंधिया समर्थक ये कह रहे हैं कि उनके उनका नेता यहाँ पर आ रहा है और जिस तरह से नारेबाजी उनके खिलाफ यहाँ पर वातावरण बना है, चाहे वो काफी गंभीर मामला राजेश राजेश मनोज जी की जैसे ही यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचते हैं किस तरह की तस्वीर या किस तरह का दृश्य और यहाँ पर देखने को मिलता है। तमाम तरह की गाड़ियां एक एक कर यहाँ पहुंच रही है, चाहे पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां हो यहाँ पर, पुलिस का चौकी लगातार भारी इंतजाम यहाँ पर बढ़ता जा रहा है मनोज जी। लेकिन राय एक सवाल ये है कि खबरें ऐसी भी आ रही है कि जो विधायक आने वाले हैं वो अभी वहां से निकले नहीं है, क्या इस तरह की आपके पास कोई खबर है? और दूसरी तरफ हम वहां का जो नजारा देख रहे हैं जिसको आप दिखा रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि वो जल्दी आने वाले होंगे। सिंधिया वहां पहुंच रहे हैं इसका मकसद भी यही है कि शायद वो पहुंचने वाले होंगे, इस तरह की सूचना होगी। सच्चाई क्या है, किस तरह की चर्चाएं वहां पर चल रही है? देखिए बिल्कुल मनोज जी, अहम सवाल यही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आखिर वो कब यहाँ पर पहुंचेंगे वो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। जिस तरह से मैंने आपसे क्रिक किया 3:30 बजे का उनका आने का था, लेकिन जिस तरह से खबर है कि वो अभी इससे निकले नहीं है, कब पहुंचेंगे? लेकिन तैयारियां जिस तरह से यहाँ दिखाई जा रही हैं या तैयारियां जिस तरह से हैं उससे लगता है कि वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ मनोज जी, लगातार यहाँ पर जो पुलिस बल है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है कि अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा सकते हैं। इस तरह के इंतजाम भी यहाँ है, गाड़ियां लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों की यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अब जो माहौल है इस तौर पर मोदी यहाँ पर अभी काफी तनावपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो विधायक भी यहाँ पर रहेंगे, शाम तक आते हैं, तत्काल आते हैं, आते भी है कि नहीं आते हैं, या फिर कुछ और उनके लिए लेकर तैयारियां होंगी, ये तो बड़ा सवाल है। अभी अभी कौन नेता मौजूद है वहां पर? जैसे आप कह रहे थे सज्जन वर्मा पहुंचे थे, शोभा ओझा पहुंची थी, वहां से रवाना हो गए हैं। दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी देर में पहुंचने वाले? देखिए मनोज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिस तरह से समय था कि 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि जो बल है, जो सुरक्षा बल है वो और बढ़ा दिया गया है। और खास तौर पर वहाँ गाड़ियां जो आती है एयरपोर्ट के साइड आती है, वहाँ दूर दूर से ही वहाँ बैरिकेड लगाकर अन्य गाड़ियों को रोका गया है। यानी कि अभी माना जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और देखिए गिरफ्तारी यहाँ पर मनोज जी हो चुकी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आवाज आपको नारे आपको सुनाता हूँ, आप देख सकते हैं कि लगातार नारे सुरक्षा बलों के बीच में आप देख सकते बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर है, कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की बात राइज के आप सुन सकते हैं, आवाज सुनाई दे रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और उनको पुलिस की गाड़ी में उनको भरा जा रहा है और वहां से लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही है। सुरक्षा बलों के साथ उनकी छुआझपटी हो रही है मनोज जी, और जो तनाव की स्थिति है अभी यहां पर बरकरार है। और आप आवाजें सुन पा रहे होंगे कि किस तरह से जो
कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। मनोज जी आप कहते हैं राजेश, आप वहाँ के जो भी ताजा हालात है उनको बताते रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, जैसा राजेश बता रहे हैं कि वहाँ झड़प हुई है, सुरक्षा एजेंसी है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जय जय कमलनाथ के वहाँ नारे सुनाई दे रहे हैं, दोनों के बीच में झड़प हुई है, कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की बात राजेश कह रहे हैं। राजेश ताजा और क्या हाल है बताते रहिए आप। जी जी मनोज जी, सवाल आपका, और क्या ताजा स्थितियां वहां पर बन रही है आप बताते रहिए, मैं समझ पा रहा हूं आपकी मजबूरी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके, और आप देखिए एक सुरक्षा को एक प्रिंट भी हो रहा है, देख सकते हैं मनोज जी, बड़ा यहाँ पर धारा 144 एयरपोर्ट पर ला दी गई है, और जो तमाम तरह के जो समर्थक थे, चाहे वो सिंधिया समर्थक हों या फिर कांग्रेस के समर्थक हों या बीजेपी के समर्थक हों, अब उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से यहाँ पर धारा 144 लग दी गई है, यानी कि अब ये मजमा यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर एयरपोर्ट पर राजा भोज एयरपोर्ट पर नहीं लगने दिया जाएगा। और पुलिस लगातार अनाउंस अप कर रही है कि जो भी कार्यकर्ता है, अननेसेसरी जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर ना रहे और तत्काल यहाँ से चले जाए, क्योंकि धारा 144 के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। मनोज जी चलिए, तो धारा 144 लगाई तो अभी हट गए क्या कार्यकर्ता वहाँ से? हटना शुरू हो गया है मनोज जी, पुलिस जो बल है अब तत्काल प्रभाव से उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से आप सुन पा रहे होंगे कि लगातार जो पुलिस है वो देखिए आप अनाउंस कर रही है यहाँ पर, और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और यहाँ पर धारा 144 लगाती है और इसके तहत सबको यहाँ पर हटाया जा रहा है। ये जो कार्यकर्ता है इनको कहीं ले जाने का क्या कोई बस में बिठा लगा है, इनको कहीं अरेस्ट किया गया? बिल्कुल अरेस्ट किया गया, अरेस्ट हुई है, एक गाड़ी यहाँ पर गिरफ्तारी करके यहाँ से ले जाई गई है। और अभी देखिए जो बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर धारा लगा के उनको हटाया जा रहा है। ये जो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ झड़प की स्थिति प्रयोग और इनको यहाँ से हटाया जा रहा है, कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से यहाँ से सारे लोग, सारे कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग, चाहे वो सिंधिया समर्थक हो, चाहे कांग्रेस समर्थक हो, चाहे बीजेपी समर्थक हो, उनको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से अब एयरपोर्ट में अपने कब्जे में लेते हुए सबको हटाया जा रहा है। जी मनोज जी बिल्कुल बिल्कुल, राजेश जैसा आप कह रहे हैं कि हल्का बल प्रयोग भी हुआ है, हल्का बल प्रयोग भी हुआ है क्या जैसा आप जिक्र कर रहे हैं राजेश? दरअसल वहां की स्थितियां समझी जा सकती, इस समय नाजुक स्थितियां हैं, जैसा बता रहे हैं कि लगातार एयरपोर्ट पर धारा 144 लगाई गई है, कुछ कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी और साथ ही ज्योतिरादित्य समर्थक कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। ताजा जो तस्वीरें आ रही वो इसी तरफ इशारा कर रही है, जिस तरह की उम्मीदें सुबह से लग रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दो एजेंसियां आमने सामने हो जाए, केंद्र और राज्य की एजेंसियां, कहीं ऐसा ना हो कि तमाम सारे कार्यकर्ता आमने सामने हो जाए और टकराव वहां पे देखने को मिले, आखिरकार वही हुआ है और एक टकराव की स्थिति बनी है। कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, उनको अन्यत्र कहीं और पहुंचा जाएगा। धारा 144 इस वक्त वहां लगा दी गई है, इस बात को लेकर कि लगातार वह सुरक्षा की दृष्टि से हालात ठीक दिखाई नहीं दे रहे थे, और ये मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा पहली दफा। राजेश चलिए हम लौटेंगे राजेश की तरफ, वापस अपने स्टूडियो की तरफ आता हूँ। वासुदेव शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी भी मेरे साथ जुड़ गए। रिजवान जी, ताजा तस्वीरें जो दिखाई दे रही है क्या कहेंगे? बिल्कुल, सुबह से ही आशंका थी कि टकराव होगा और टकराव होने लगा, परस्पर नारेबाजियां हो रही थी और पुलिस ने धारा 144 का ऐलान कर दिया है और अब वहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, उसे तितर बितर किया जा रहा है। सिंधिया समर्थक वहां पहुंचे थे, सिंधिया जा रहे हैं, उन्हें सी ऑफ करने वहां वो पहुंचे थे, उनके वो समर्थक विधायक आने वाले हैं। सुबह से इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो अब रवाना हो गए, अब पहुंच रहे हैं, लेकिन वो रवाना हो चुके हैं ये तो तय है, लेकिन वो कब तक आएंगे, आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, अभी ऐसी बहुत ढेर सारी चीजों पर सवाल
लेकिन ये जिस तरीके से वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है कि उसकी वजह ये भी हो कि थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हो, तो उससे पहले एक सुरक्षा की दृष्टि से तमाम सारे लोगों को वहां से हटाया गया हो, धारा 144 लगाई गई हो, ऐसा आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, दोपहर के पहले से ही वहां भारी पुलिस बल तैनात है और विधायकों ने केंद्रीय सुरक्षा की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष के पद से भी ऐसा लगता है कि उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल की मांग की है। एयरपोर्ट में CRPF रहती ही है, इसके अलावा और भी स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन जिस तरह से अगर अतिरिक्त पुलिस बल की मांग करता है, अतिरिक्त बल की मांग करता है, तो वो उसे प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो इस हिसाब से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद थी, काफ़ी SP स्तर के अफसर वहाँ तकरीबन 11 बजे से तैनात हैं। जिस तरह से उनको संदेश आ रहा था, वो कौन कौन आने वाले हैं, पहले संदेश ये था कि 3 चार्टर्ड प्लेन जी आने वाले हैं, अभी 2 चार्टर्ड प्लेन का जिक्र है। वो लोग, वो जो BJP के नेता हैं, वो भी उनके साथ आ रहे हैं, उमा शंकर गुप्ता हों, अरविंद भदौरिया हों जी, तो वो भी साथ में आ रहे हैं उन विधायकों के। वो विधायक भी उसमें शामिल है, मनोज चौधरी, उस पैसेंजर्स लिस्ट में जिसको लेकर लगातार जिनके विवाद के पिता, जिनके पिता कुछ देर पहले हमारी उनके पिता से भी बात हुई थी, नारायण चौधरी से, मनोज चौधरी के पिता से, वो भी किसी फ्लाइट से रवाना हो। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास, लेकिन ताजा कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, दिखाई दे रही है, और ये वो तस्वीरें हैं जो आप देखिए, सीधे तौर पर दोनों के बीच में विवाद हुआ है और फिर इन कार्यकर ताओं को, ये जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये जो कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं, सीधे तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बस में चढ़ रहे हैं, ये सब कांग्रेस के गुड्डू चौहान है, जो पार्षद है PC शर्मा के बहुत निकट है जी, और हमेशा यही टीम कांग्रेस को भले कैसी भी स्थितियां रही हो, हमेशा संघर्ष करती रही है। ये वो टीम है जो संघर्ष करती रही, जब सरकार नहीं बनी जब भी संघर्ष कर रही है, अब सरकार संकट में है तो भी संघर्ष में दिखाई दे रही है, और ये वही टीम है, ये वही कार्यकर्ता है जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं। और आप देखिए ताजा तस्वीरें इस वक्त न्यूज वर्ल्ड पर आप देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता वहां पर हंगामा कर रहे थे, जो कार्यकर्ता विरोध करने पहुंचे थे सिंधिया का, उनको मध्य प्रदेश पुलिस की ये बस दिखाई दे रही है, इसमें भरकर अलग कहीं रवाना किया जा रहा होगा ताकि वहां की स्थितियां शांतिप्रिय बनी रहे। और एक बार जो स्थितियां वहां पे निर्मित हुई थी वो काफी गंभीर थी, लेकिन मुझे लग रहा है इसको अब ठीक कर लिया गया होगा। जो तस्वीरें हैं रिजवान जी, ये राहत भरी बात है। देखिए कई दफा सुरक्षा एजेंसी के सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, एक तरफ सरकारें हैं, दो अलग सरकारें हैं, या यहां तो बहुत ही गजब स्थितियां हैं, कांग्रेस के ही दो धड़े हो गए, एक वो धड़ा जिसके ऊपर अभी विश्वास नहीं किया जा सकता है किसके साथ होगा, दावा कांग्रेस भी कर रही, दावा BJP भी कर रही, तो ये जो स्थितियां बन रही है, मैंने नहीं देखा कभी मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थितियां बनती। देखिए मध्य प्रदेश में हमारे जन्म के पहले इस तरह की अभूतपूर्व स्थिति आई थी मनोज जी, और वो राजमाता विजय राजे सिंधिया उसकी शिल्पकार थी, और गोविंद नारायण सिंह कांग्रेस के ही विधायक टूट कर गए थे, बाद में फिर कांग्रेस में लौट कर आ गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस में ही फूट हो रही है, कांग्रेस में ही टूट हो रही है, और इतने बड़े पैमाने पर हो रही है जिस तरह का जिक्र हो रहा है। जी जी, ये विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के निकट है, उनके समर्थक माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य क्या माधवराव सिंधिया के समय से इसमें से ज़्यादातर लोग सियासत में सक्रिय हैं, और इस बार वो विधायक बने हैं, उसमें 6 मंत्री भी हैं जी, और उन्हें समर्थक माना जाता है। वो कह रहे हैं कि वो निष्ठा भी दिखा रहे हैं ज्योतिरादित्य के प्रति, उनके इस्तीफे भी विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचे हैं, वो BJP के नेता लेकर गए थे वो इस्तीफे जी, इसी पर विधानसभा अध्यक्ष ने वेरीफाई करने को उन्हें तारीख दी थी, और उसमें से कुछ विधायक आज संभवतः विधानसभा अध्यक्ष से इसलिए मिलेंगे, इसलिए कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी विधानसभा परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है विधायक आना चाहते हैं, और वो इस केंद्रीय विधायकों ने मांग की है कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की मांग। लेकिन रिजवान जी, वासुदेव जी के पास ये सवाल लेकर चलता हूँ, यदि जो विधायक लौट रहे हैं वो यदि केंद्रीय सुरक्षा मांग रहे हैं कि सेंट्रल की सुरक्षा एजेंसी के भरोसे हमारी सुरक्षा की जाए, तो क्या ये माना जाए, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो उनको अपनी ही सरकार से कहीं डर है? अभी तक तो वो कांग्रेस के हैं। वासुदेव जी, जो इसी सवाल पर अपन पहले चर्चा कर चुके थे वही है एक्चुअली में, क्या है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अभी आपको जो गुस्सा दिख रहा है ना, जो नाराजगी दिख रही है जी भोपाल में, ये नाराजगी अब नीचे से भी उभरने लगी है। कई जिलों में पुतले दहन के और प्रदर्शन की खबरें आई हैं अभी जी। अब ये और सिलसिला बढ़ना है। अब निश्चित रूप से अभी तो कांग्रेस के विधायक हैं वो, तो कांग्रेस के लोग अपने विधायकों के पास जाने की कोशिश तो करेंगे जी, और कोशिश करेंगे, उनके क्षेत्र के लोग भी आए हुए हैं। आपको ये खबरें भी थी और ये भी है कि इन विधायकों के क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, वो प्रेशर बना रहे हैं कि आप ये कदम मत उठाइए जी। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि भाई
तय तो ये हुआ था कि अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन ये क्या हो गया। और इसी यहीं से कांग्रेस को, कमलनाथ जी को ये संभावनाएं दिख रही थी कि इसमें से कुछ लोग वापस आ सकते हैं जी। और वापस आने के लिए जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, उनको ये अपनाने की कोशिश करेंगे। और उसमें से एक तरीका यही है कि वो नीचे से कांग्रेस के लोगों का, कार्यकर्ताओं के गुस्से को बाहर लाएंगे और उनसे ये प्रेशर डलवाएंगे कि भाई आप इस फैसले से को बदलिए जी। तो इसलिए अब तो ये विरोध की कार्रवाइयां और तेज होंगी। हालांकि मेरा मानना है कि लेट हो गए, कायदे से तो इनको ये विरोध कार्रवाइयां पहले दिन से शुरू कर देना चाहिए थी। आज मान लो कांग्रेस की जगह बीजेपी होती तो मालूम है क्या होता जी, पूरे मध्य प्रदेश में सब कुछ जाम कर चुके होते वो। हाँ, उनकी सरकार को तोड़ रहे हैं, उन विधायकों को खरीद रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो इसमें भी लेट हो रही है जी। जी, जैसे कि इस घटनाक्रम को परखन एक एक खबर ये भी आ रही है कि शिवराज चौहान के बंगले पर पहुंचे इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मुलाकात, राज्यपाल से मुलाकात के बाद शिवराज के बंगले पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यपाल से मुलाकात की है। ये भी अपने आप एक बड़ी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलना, राज्यपाल की मुलाकात होना। रिजवान जी, इसको कैसा देख रहे हैं? एक शिष्टाचार भेंट की तरह आप देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं, राज्यसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ढेर सारी मध्य प्रदेश में बहुत तरह की सियासी कवायदे, उठापटक और तेजे चल रही है बहुत तेजी के साथ। ऐसे में राज्यपाल, होली का समय था, राज्यपाल होली मनाकर वापस आए हैं, एक इसको औपचारिक बैठक की तरह या औपचारिक मुलाकात की तरह देखा जा सकता है। उसमें बहुत ढेर सारी चीजें, इसलिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं उनका जो रुख है वो तो विधायक अपना ही रुख जाकर राज्यपाल को बताएंगे। और राज्यपाल की भूमिका अभी शुरू भी नहीं होती इस पूरे घटनाक्रम में। राज्यपाल की भूमिका तो तब शुरू होगी जब विधानसभा अध्यक्ष कोई फैसला ले लें और उसके बाद फिर नए सिरे से कोई शिकायत हो। सत्र को बढ़ाना है, सत्र की तारीख बढ़ाना है, कोरोना जो है वो बीच में आई। अब ताजा खबर ये भी आ रही है कि सरकारी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है आज सरकार में। आज मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बैठक की है जी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक की है और उन्होंने बहुत ढेर सारे निर्देश दिए हैं, बहुत लंबे चौड़े निर्देश दिए। और जाहिर है पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो ये हो भी चले। राजेश ने जायजा लिया है इस समय एयरपोर्ट का और कैसा वहाँ का नजारा है, जरा इसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से बेंगलुरु से जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके राजा भोज एयरपोर्ट आने की जिस तरह से खबर है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो सिंधिया समर्थक हैं, जो कांग्रेस समर्थक हैं, उनके बीच में नारेबाजी की जा रही है। दोनों, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे सिंधिया समर्थक हों, नारेबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे पर कहा जा रहा है कि मनमानी नहीं चलेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा सिंधिया समर्थक जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो अपने अपने तरीके से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इसके इतर अगर हम बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस टकराहट के बीच में जिस तरह से यहाँ भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है और कहीं ना कहीं दोनों के समर्थकों को यहाँ पर अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से खबर है कि जो बेंगलुरु से जो विधायक यहाँ पर आएंगे और उसके पहले जबरदस्त टकराहट इस राजा भोज एयरपोर्ट पर हमें दिखाई दे रही है। दोनों ही दलों के जो समर्थक हैं वो आपस में यहाँ पर भिड़ चुके हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उनको अलग करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखना होगा कि जिस तरह से टकराहट यहाँ पर देखी जा रही है, बीजेपी के समर्थक हैं, सिंधिया समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं और यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। कैमरा पर्सन साजिब के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वन भोपाल। राजेश उस घटना स्थल पर मौजूद है जहां इस तरह की स्थितियां बनी हुई, उसका जायजा ले रहे थे और जो दिखाई पड़ रहा उससे ये लग रहा था कि काफी सेंसिटिव स्थिति है, लेकिन जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वहां भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, वहां से हटाया गया और धारा 144 लगाकर ये मैसेज देने का भी प्रयास किया गया है कि यहां आप शांति व्यवस्था भंग नहीं कर सकते वरना कार्रवाई की जाएगी। रिजवान जी, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, अपनी बात पूरी कीजिए। कोरोना का मैं जिक्र कर रहा था, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर अलर्ट है, वहाँ भी छुट्टियाँ कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा BCCI ने
आईपीएल को आईपीएल कैंसिल बढ़ाने के लिए निर्णय ले लिया है, उसकी तारीख बढ़ा 15 अप्रैल से होगा, अभी 29 मार्च से होने वाला था, उसको भी फैसला ले लिया है। तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो कोरोना बीच में आ ही चुका है, अभी सारी चीजों के बीच में जी पूरी दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, वो उसके को लेकर बहुत ढेर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश की सियासत में कोरोना का भी आगमन हो चुका है सियासत में। कोरोना तो को लेकर आशंका तो है ही, उसकी तैयारियां भी हैं ढेर सारी। तो अब इन सारी चीजों के बीच यही है कि सिंधिया की मुलाकात राज्यपाल से हुई थी, जैसा कि आपने सवाल किया था जी जी, और वो उसके बाद वहां से निकल भी चुके हैं, अब वो जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उनके समर्थक जो एयरपोर्ट वो शिवराज जी के साथ इस वक्त बंगले पर मौजूद है, मुझे लग रहा है दोनों साथ जाएंगे। उनके समर्थक जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि वो एयरपोर्ट आए हैं सिंधिया जी को सी ऑफ करने, वो उनको विदा करने आए थे, लेकिन अब चूंकि पुलिस ने 144 लगा दी इसलिए वो यहाँ से हट रहे हैं। तो अब सभी हो सकता है सिंधिया वेट कर रहे हैं उस समय का जब उनके जो समर्थक विधायक हैं वो एयरपोर्ट पहुंच जाएं, उनसे मुलाकात का इंतजाम हो जाए, उन्हें वो ढाढ़स बजा सकें, उन्हें कहें कि डटे रहिए हम सब साथ में हैं, और सिंधिया इसी समय का इंतजार कर रहे हैं जी। और अब उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका शुरू होगी, सरकार के फ्लोर मैनेजमेंट की भूमिका शुरू होगी। जिस तरह से कैंडिडेट बनाया गया है फूल सिंह बरैया को, सिंधिया समर्थक ज़्यादातर विधायक उसी क्षेत्र के हैं जहाँ से फूल सिंह बरैया आते हैं, दलित नेता हैं, और इस बार दलित नेताओं का और दलितों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, खासतौर से ग्वालियर संभाग जी, में जी, कांग्रेस की सरकार बनने में उनके ज़्यादा संख्या है विधायकों को जीतने में। तो फूल सिंह बरैया भी अब कैंडिडेट बना दिए गए हैं राज्यसभा के, कहीं ना कहीं वो भी हैं। इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा मिलने गए थे, वो वहाँ कह रहे थे कि वो मिलने आए हैं उनसे, अपने साथियों से, वो जी साथी जी हैं। अब फ्लोर मैनेजमेंट की तैयारी होगी, डॉक्टर गोविंद सिंह जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं ग्वालियर चंबल संभाग से, तो अब वहाँ सरकार की ओर से भी एक तैयारी होगी और सिंधिया खेमे की भी कोशिश। अभी खबर ये भी आ रही है कि कैबिनेट की बैठक भी बुला ली है, हालांकि यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर लौटूंगा तो फिर ये भी बताऊंगा कि कैबिनेट बैठक क्यों बुलाई गई 15 तारीख को। ऐसी ये तमाम सारी चीजों के बीच कमलनाथ ने 15 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, और उस बैठक में क्या निर्णय होगा, क्यों बैठक बुलाई है, मेरे सहयोगी के पास भी चलूंगा। लेकिन ताजा जिस तरह के हालात मध्यप्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, खासकर एयरपोर्ट पर तमाम सारे कांग्रेस और जो अन्य सिंधिया के समर्थक पहुंचे थे उनको गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करके कुछ लोगों को अन्यत्र जगह पहुंचाया गया है, बाहरी सुरक्षा बल वहां तैनात किया गया है। DIG इरशाद बली अपने तमाम सारे अफसरों के साथ वहां मौजूद है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि CISF की टुकड़ी के साथ वो वहां पहुंचे हैं ताकि सुरक्षा ठीक ढंग से की जा सके, मांग भी की गई कुछ इसी तरह की। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के निवास पर एक बैठक चल रही है, बैठक में खुद शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, नरोत्तम मिश्रा मौजूद है और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो तीनों के बीच में इस समय क्या पकड़ा होगा ये समझना बड़ा मुश्किल है अभी हाल में, क्योंकि बंद कमरे में तीनों की बैठक चल रही है। इस बैठक को कैसा देख रहे हैं वासुदेव जी, जब तीन बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं, ताजा घटनाक्रम ताजा हाल आपके सामने है, एक तरफ टकराव की स्थिति बनती है, विधायक थोड़ी देर में ऐसा कहा जा रहा है पहुंचने वाले हैं, वो विधानसभा भी जाएंगे, लेकिन इस बीच में तीनों की बैठक क्या कहेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने निश्चित रूप से अब आगे की रणनीति तो बनाना शुरू कर दी है उन्होंने जी। आज नरोत्तम जी के यहाँ लंच किया, कल डिनर पे थे सारे नेताओं से, वो बीजेपी के सारे ज्यादातर नेताओं से उनके इन दो दिनों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है जी। तो इसलिए उन्होंने आगे की रणनीति पर विचार करना शुरू किया है जी। वो आगे की रणनीति क्या है उनकी, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए राज्यसभा, मतलब अभी तो उनके लिए राज्यसभा मैन है ना, तो राज्यसभा में 19 विधायकों को वोट कराया जाए जी। और इसलिए हमें जो लग रहा है कि ये जो पूरा वो है कि 19 तारीख तक अभी कोई ज़्यादा बड़ा फ्लो टेस्ट जैसी कोई चीज़ होने वाली नहीं है। अच्छा, विधानसभा जो है को धीरे धीरे वो आगे खींचने की कोशिश करेंगे, और इसलिए वो जी जी कहिए, तो इसलिए वो राज्यसभा के जो वोटिंग है 26 तारीख को वोटिंग है शायद उसकी, तो 26 तारीख तक वो अभी दोनों ही पार्टियों की ये प्राथमिकता में है कि कैसे भी उस चुनाव को कराया जाए जी। रिजवान जी ये जो शिष्टाचार की मुलाकात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचे थे, उससे पहले कमलनाथ जी ने भी मुलाकात की, हालांकि कमलनाथ जी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है,
और ताजा हालातों की जानकारी देने ही पहुंचे थे। ये भी कहा जा रहा, उन्होंने बाकायदा कहा, खुलासा भी किया कि 16 तारीख से सत्र का प्रारंभ होना है, उसका निमंत्रण भी उनको देना था। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो सिंधिया जब वहां पहुंचे होंगे तो क्या शिष्टाचारी हुआ होगा या ताजा हालात जिस तरह के बन रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई होगी? देखिए सिंधिया क्या है मनोज जी, सिंधिया ना मुख्यमंत्री है, ना कांग्रेस विधायक दल के नेता है, जी माफ कीजिएगा, ना बीजेपी विधायक दल के नेता जी, है जी जी, ना कोई बागी विधायकों की पार्टी के नेता है। सिंधिया एक प्रत्याशी है राज्यसभा के जी, अनौपचारिक रूप से कोई भी बात की जा सकती है, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री गए तो वो एक अधिकृत व्यक्ति बिल्कुल है, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सदन शुरू होने वाला है, मध्य प्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति है, बहुमत का संकट है सरकार के सामने, खरीद फरोख्त का आरोप है, विधायक बेंगलुरु से में बंधक बनाए गए हैं जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, बेंगलुरु से उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, ऐसे बहुत ढेर सारे मुद्दे उनके पास थे। 3 पेज का वो एक पत्र लेकर बाकायदा उनके पास गए थे और जिसका सब्जेक्ट ही हॉर्स ट्रेडिंग था जी। तो उन्होंने खरीद फरोख्त का जिक्र किया है, उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है, उन्होंने कहा फ्लोर में बहुमत टेस्ट साबित करेंगे, उन्होंने राज्यपाल से ये भी आग्रह किया है कि अभिभाषण हो। वहीं विपक्ष जो है वो नरोत्तम मिश्रा का कल हम बयान चला ही चुके हैं अपने चैनल में, उनको भी उनका बाकायदा हमारे विशेष संवाददाता ने उनसे 1-to-1 भी किया था, इंटरव्यू किया था, और वो ये कह रहे थे कि फ्लोर टेस्ट पहले होना चाहिए, अभिभाषण बाद में होना चाहिए, जब बहुमत ही नहीं है तो किस बात का अभिभाषण जी। तो ये जो चीजें हैं इस पर नरोत्तम मिश्रा गए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं, राज्यपाल से मिलने गए, इससे पहले वो कांग्रेस के नेता के तौर पर मिलते रहे होंगे, अब वो बीजेपी के नेता हैं, उस तौर पर वो उनसे मिले होंगे। और होली है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, होली है, एक सबके यहाँ गए, वो अपनी बुआ के यहाँ भी गए ब्रेकफास्ट पर 11 बजे, नरोत्तम मिश्रा के यहाँ उन्होंने बाकायदा लंच किया, शिवराज सिंह के यहाँ डिनर कर ही चुके हैं, अब फिर शिवराज सिंह के यहाँ पहुँचे हैं। तो ये तो एक सियासी बहुत ढेर सारी उठा पटक और कवायदे होती हैं और कुछ चीज़ें शिष्टाचार के तहत होती हैं, लेकिन शिष्टाचार में भी कहीं ना कहीं एक व्यवहार तो होता ही है। हाँ, चूंकि स्थितियां ऐसी चल रही है इस समय, तो अमूमन आप जब किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो जनरली यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं और आप भी मिल जाएंगे तो चर्चा कर ही लेंगे कि आगे हालात पर बातचीत कर ही लेते हैं, और लेकिन ये अनौपचारिक ही होती है, और सभी है तो राजनेता ही, यदि राज्यपाल जी भी है तो राजनेता ही, तमाम सारे लोग नेता ही है। लेकिन जो ताजा हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां बन रही है, मान लिया जाए कि थोड़ी देर में 19 विधायक आ भी जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे मनोज जी, ये जो सूची आ रही है अभी तक जी, ये जो यात्रियों की सूची है उसमें संख्या 13 विधायकों की ही दिख रही है। दो सूची है? हाँ बिल्कुल, दो सूची है, उसमें 13 विधायकों की ही संख्या दिख रही है और 13 के लिए ही उन्होंने नोटिस जारी किया है। 13 हाँ बिल्कुल, उसमें 13 विधायकों की दिख रही है जिसमें से 9 विधायक अभी भी उसमें नहीं है। 13 विधायकों में एक विधायक जो सिरोनिया है, रक्षा सिरोनिया, जो दतिया के पास के विधायक हैं भांडेर की, वो उनके पति भी संतराम का भी नाम है इस सूची में, यात्री जो बोर्डिंग कर जिन्होंने की है, उसके अलावा इंदल सिंह कंसाना जो दिग्विजय सिंह के बहुत निकट है उनका नाम भी इसमें है, लेकिन वो सारे लोगों का नाम नहीं है इसमें। उमाशंकर गुप्ता का भी नाम है, अटेर के विधायक जो बीजेपी के विधायक हैं अरविंद सिंह भदौरिया उनका नाम भी है ना, दोनों जाटों जो विधायक हैं उनका नाम भी है, तो लेकिन अभी 13 ही विधायकों के इमरती देवी भी दिखाई दे रही हैं, तुलसी सिलावट दिख रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत दिख रहे हैं, स्वरूप पदम सिंह तोमर दिख रहे हैं, प्रभुराम चौधरी का नाम दिख रहा है, तो राज्यवर्धन सिंह का भी नाम इसमें दिख रहा है, महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम है, और संतराम मैं आपका जिक्र कर ही चुका हूँ, कमलेश जाटों का नाम है इसमें, और इसमें उमाशंकर गुप्ता का नाम है जो एक लिस्ट है। दूसरी जो सूची है हमारे पास उसमें सुरेश धाकड़, ये भी विधायक हैं, जसवंत जाटो, ये जो मैं अभी जाटो विधायकों का जिक्र कर रहा था ये दूसरे विधायक हैं, इमरती देवी उनका नाम है इसमें, रमाकांत भार्गव तो जाहिर है ये विधायक नहीं है, मनोज चौधरी बहुत चर्चा में है कल से, हाँ वो आ रहे हैं, बिल्कुल वो आ रहे हैं इसमें, और उनके पिता भी वहाँ से रवाना हो गए, हमारी उनसे बात हुई थी तो वो किसी फ्लाइट में बैठ चुके थे, और वो ये कह रहे थे कि ये फ्लाइट वाले फोन बंद करवा रहे हैं इसलिए आपसे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, और फिर उनका फोन बंद हो गया था। तो एंदल सिंह कंसाना जिनका मैं जिक्र कर रहा था वो इसमें है, फिर इसमें नाम एक पुनीत शर्मा का है, वो जाहिर है विधायक नहीं है, इसमें अरविंद सिंह भदौरिया है जो बीजेपी के विधायक है, इसमें मोहन सिंह है, मोहन सिंह राठौर,
मोहन सिंह इमरती देवी के, बिल्कुल मोहन सिंह वही हैं जो इमरती देवी जिनकी बहुत निकट हैं, बिना उनकी मर्जी के ग्वालियर ग्रामीण के अध्यक्ष कोई काम नहीं करती हैं ऐसा कहा जाता है, और पूरे समय वो एक हमसाये के तरह इमरती देवी के साथ रहते हैं। तो मोहन सिंह है सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत निकट हैं वो भी, और रक्षा सिरोनिया का मैं जिक्र आपसे कर ही चुका हूँ पहले। तो ये इतने लोग हैं, इसमें 13 विधायक हैं वो जो सिंधिया के साथ चले गए, जिसमें एक तो दिग्विजय सिंह समर्थक हैं और एक डॉक्टर गोविंद सिंह के भी समर्थक हैं जाटो विधायक जो हैं, और अभी मुन्नालाल गोयल और भी कई विधायकों के इस सूची में नाम नहीं है। तो वो बाकी 9 विधायक क्या है, वो भी पीछे से आ रहे हैं या अभी 9 वहाँ हैं, स्थितियाँ भापेंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, क्या हो रहा है उसके बाद, या इनका क्या रुख है उसके बाद बाकी लोग आएंगे, किश्तों में लाए जा रहे हैं, ये इस पर सबकी निगाह है। जिसमें से दिग्विजय सिंह के 2 समर्थक हैंदल सिंह कंसाना और बिसाहू लाल सिंह, जो दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे, दोनों दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे, बिसाहू लाल सिंह तो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, बड़े बड़ा पद रहा है उनके पास, और दिग्विजय सिंह के बहुत निकट रहे। तो अब वो एक बार तीर्थ यात्रा में चले गए थे बेंगलोर और उसके आसपास, थी यात्रा अधूरी रह गई उनकी, उन्होंने यात्रा की फिर दोबारा यात्रा में चले गए, पहले बीजेपी दीनदयाल परिसर पहुंचे, वहां उन्होंने बातें की, वो कहते किसी से डरता नहीं हूं, लेकिन मैं चूंकि उसी क्षेत्र से आता हूं, उमरिया के हैं वो, मैं नजदीक से कटनी का हूं, पत्रकारिता के दौर में मैंने बहुत कुछ देखा है बिसाहू लाल सिंह को, बहुत निकट से देखा है, बड़े दब्बू और दरपोर किस्म के नेता हैं वो। और कि तो दिग्विजय सिंह का बहुत संरक्षण भी उनको मिलता रहा है समय समय पर, लेकिन अब वो अचानक गायब हैं, बड़ा साहस किया है उन्होंने, अपनी ही पार्टी को छोड़ दिया है उन्होंने, तो बड़ा साहस किया है उन्होंने, तो अब देखिए वो कब प्रकट होते हैं। हैंदल सिंह आ ही गए हैं, हैंदल सिंह क्या सोच के साथ, हरदीप सिंह डंग भी नहीं है इसमें, जी इसमें हरदीप सिंह डंग तो पहले, जो सबसे पहले इस्तीफा जिनका आया था वो हरदीप सिंह डंग नहीं है, और हरदीप सिंह डंग ने कहा था कि ना वो कमलनाथ गुट के हैं ना सिंधिया गुट के हैं, जो उनका पत्र आया था जो ज्ञापन की तरह था वो पत्र। हमें कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हरदीप सिंह डंग नहीं आ रहे हैं, तो हरदीप सिंह डंग को शायद भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही कि ये तो अब हमारा ही है। आप देखिए उन लोगों को लाया जा रहा है जो सिंधिया के समर्थक है, मतलब जितने अभी हम नाम नहीं, ये देखिए इसमें सिंधिया समर्थक भी कुछ तो दिग्विजय सिंह समर्थक हैं, उसमें से एक डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थक हैं, एक तो हैंदल सिंह कंसाना तो दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं सीधे सीधे जी जी, और वो तो कहते ही रहे हैं कुछ दिन पहले तक, वो कहते रहे कि दिग्विजय सिंह जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अब पता नहीं इसीलिए तो अंदर खानों से बहुत ढेर सारी चीजें जो छन छन कर आती हैं कि जबरदस्ती रोका गया है, मोबाइल छीन लिया गया है, दूसरे के मोबाइल से बात कराया जाता है, ऐसे बहुत ढेर सारे जो दावे। लेकिन वासुदेव जी, यदि ये तमाम सारे विधायक प्रस्तुत हो जाते हैं विधानसभा अध्यक्ष के सामने, जैसा उन्होंने 13 विधायकों को नोटिस जारी किया और वही 13 विधायक अभी जाकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश हो जाते हैं, तो क्या वो तमाम तरह की जो अटकलें, जैसा रिजवान जी भी कह रहे हैं कि हैंदल सिंह कंसाना पहले कुछ कह रहे थे बाद में कुछ कह रहे हैं, इन पर विराम लग जाएगा? देखिए 13 में से 6 तो वो मंत्री आ रहे हैं जी, और इन मंत्रियों को तो एक्सपेल करने की सिफारिश खुद सरकार ने की है, मुख्यमंत्री ने की है, तो इनको आना इनके लिए मेरे को लगता है कि नियम प्रक्रियाओं के तहत जरूरी होगा अध्यक्ष के सामने पेश होना, तो वो आ रहे हैं जी। भाई जो रिजवान जी बोल रहे थे ना, ये डंग जो है, डंग सिंधिया समर्थक कभी नहीं रहा, ये अब कहां से हो गया है, ये खुद एक वो तो मीनाक्षी नटराजन और मीनाक्षी नटराजन के माध्यम से राहुल गांधी तक डंग उस मूवमेंट का है, युवा कांग्रेस मूवमेंट का बयान भी आया था डंग का भी बीच में कि मैं तो ना सिंधिया का समर्थक, बिल्कुल जो पत्र आया था कथित पत्र जो है जो कथित पत्र है, मैं तो खुद ही हूँ और इसीलिए मुझे कांग्रेस गुट का हूँ, इसीलिए मुझे नहीं बनाया गया क्योंकि मेरे पास कोई गुट नहीं है, मेरे पास कोई मेरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे ऊपर हाथ रख दे, इसलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो बात तो सही है। और मनोज चौधरी भी कोई सिंधिया गुट के तो नहीं रहे, जो मतलब उनके पिताजी तो नया विधायक है अभी जी, मतलब उनके पिताजी विधायक रहे ना, तो वो जी। सिंधिया जी इनके दिग्विजय सिंह के नजदीकी रहे, बिल्कुल जीतू पटवारी ने अपने भाई को बहुत जिद करके, उस समय भी मनोज जी ये चर्चा आई थी एक परिवार से तीन, उस समय भी मनोज चौधरी को जब टिकट मिली थी तो जीतू पटवारी ने बहुत जिद की थी ऐसा कहा जाता है, और राहुल गांधी से सीधे मांग की थी मनोज चौधरी के लिए। ये सिंधिया के बहुत निकट तो नहीं रहे हैं ये लोग, लेकिन देखिए सियासत है, अब अंदाज है अपना अपना, अलग अलग तंग से चीजें होती हैं, कौन किसके प्रति कब निष्ठावान हो जाए, कौन किससे निष्ठुर हो जाए अचानक। जैसे अभी वासुदेव जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री ने इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए नहीं लिखा है, इनको
मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए लिखा है, बाकियों से इस्तीफे ले लिए थे, इन्होंने इस्तीफे भेजे नहीं, तो इनको भी बर्खास्त करने के लिए पूरे मंत्रिमंडल एक्चुअल खत्म करने की एक मुख्यमंत्री ने एक रणनीति के तौर पर काम किया है। लगता है कि वो शायद, जैसे वो कैबिनेट का भी आप जिक्र कर रहे थे, वो कैबिनेट किन्हें बुलाने वाले हैं, मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं, इस पर भी अभी कुछ चर्चा शेष है, उसकी पुष्टि करनी शेष होगी, इसलिए कि जब कैबिनेट को इस्तीफा देने के लिए सिफारिश वो कर चुके हैं। वैसे अभी राज्यपाल की ओर से अभी तक कोई उनकी सिफारिश को मानने वाली कोई चिट्ठी नहीं आई है, ना इस्तीफा स्वीकार करने वाली है ना बर्खास्त करने वाली, तो मंत्री पद से बर्खास्त नहीं, तो अभी कैबिनेट है अस्तित्व में जी, लेकिन जैसे ही कैबिनेट खत्म हो जाएगी तो सारे अधिकार फिर मुख्यमंत्री में निहित हो जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और एक और एयरपोर्ट से ताजा जो हालात का जानकारी ली है हमारे स्टेट राजेश सक्सेना ने, उसको भी देख लेते हैं। तो जिस तरह से बेंगलुरु से वो 19 विधायक जो कांग्रेस के हैं उनके भोपाल आने को लेकर, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, दो बसें यहाँ पर लगाई गई हैं उनको ले जाने के लिए, आप देख सकते हैं इस बस को और दूसरी बस ठीक ये यहाँ पर खड़ी हुई है। इसके अलावा जिस तरह से ये भी खबर आई थी कि सारे विधायकों ने सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम इस राजा भोज एयरपोर्ट पर यहाँ पर किए गए हैं, आप देख सकते हैं कि इस सुरक्षा इंतजाम को किस तरह से यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात है कि जैसे ही बेंगलुरु से वो विधायक यहाँ जो आना है, जो यहाँ पहुँचना है राजा भोज एयरपोर्ट पर, और यहाँ से इन दो बसों के जरिए उनको ले जाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो बीजेपी समर्थक है या जो सिंधिया समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम अन्य यहाँ पर जो नेतागण मौजूद हैं। अब देखना है कि कब तक वो विमान यहाँ पर पहुँचता है जिससे बेंगलुरु से वो विधायक यहाँ पहुँचने वाले। चलिए, इसी बात का इंतजार हमें भी है कि आखिर वो कब विमान पहुंचेगा और हम भी राहत की सांस लेंगे और समझ पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि राजनीति में सबके अपने अपने दावे हैं। जी, जी एक बार राजेश को हमें टेलीफोन नहीं, हमने कहा जी मैंने कहा है हमें जोड़ना चाहिए, इसलिए कि अब वो ताजा हालात बताएं कि क्या सिर्फ कांग्रेस के लोगों को वहां है, जिस तरह से उन्होंने अभी बताया है पीसीआर जी, क्या कांग्रेस के लोगों को ही जरा क्या कह रहे हैं राजेश, बुलाया गया है या किसी और को बुलाया गया है कि बाकी सिर्फ कांग्रेस के लोगों को हटाया गया है या सबको हटा दिया गया है वहां से, 144 तो सभी के लिए लागू। जी 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 तो यही चीजें जो हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे कैबिनेट का, तो मुख्यमंत्री के अधिकार में होता है फिर उसके बाद सारी कैबिनेट। तो देखिए अभी संसदीय कार्य मंत्री के तहत नाते तो डॉक्टर गोविंद सिंह मिल ही चुके हैं अभी जी विधानसभा अध्यक्ष से, कोरोना के को कहकर वो मांग रहे हैं, इस तरह की बहुत चर्चाएं थी लेकिन उन्होंने कोरोना या इस तरह की चीजों का कोई बहुत जिक्र नहीं किया है। हाँ, कोरोना को लेकर यदि विधानसभा स्थगित करनी होगी तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, किन्हीं भी अगर इस तरह की विषम परिस्थितियाँ होती हैं तो पहले कोरोना का अगर जिक्र है तो स्वास्थ्य विभाग से एक एडवाइजरी आएगी, उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी, विचार करके सरकार विधानसभा अध्यक्ष को, कुछ चैनलों ने फर्जी खबर चला दी थी मनोज जी, जैसा कि आप जानते हैं कुछ चैनलों ने फर्जी खबर चला दी थी कि ये इस विधानसभा अध्यक्ष ने 26 तारीख तक ये स्थगित कर दी है, 26 तारीख को होगी अब अगली बैठक विधानसभा की। एक्चुअल वो एक किसी ने ट्वीट किया था, विधानसभा अध्यक्ष का एक ट्विटर है और विधान इस तरह की चीजें ट्विटर पे नहीं दी जाती हैं, बाकायदा उस पर पूरी प्रोसीडिंग होती है, एक प्रोसीडिंग होगी, प्रोसीडिंग के बाद जब ये प्रोसीडिंग होगी कि इस तरह से की जा सकती है सरकार को लेगा, इसलिए कि एक तरह से महामारी की तरह उसे घोषित किया जा रहा है, आपात स्थिति पूरे देश भर में है, दिल्ली जैसे राज्यों में तो छुट्टियां हो गई हैं सारे शैक्षणिक संस्थानों की, मध्यप्रदेश में भी आने वाले, छत्तीसगढ़ में हो चुकी है पड़ोसी प्रांत में, मध्य प्रदेश में भी आने वाले वक्त में, उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर बहुत गंभीरता से सारी तरह की चीज़ें चल रही हैं, इसलिए सदन है, एक साथ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो इकट्ठा होना कोरोना को बढ़ावा दे सकता है, और खास तौर से जब हमारे सारे विधायक पर्यटन कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो धार्मिक पर्यटन में गए हैं, अभी कुछ देर पहले बीजेपी के नेता जब वहां पहुंचने लगे थे एयरपोर्ट, उनसे पूछा जाने लगा था कि आप कैसे आए, तो उन्होंने बोला हमारे कुछ रिश्तेदार, हमारे कुछ अपने लोग हैं, जो हमारे अपने लोग जो हैं वो तीर्थ यात्रा पे गए थे, उनको हम रिसीव करने आए हैं, तो तीर्थ यात्रा पर गए ये जो लोग हैं, ये जो तीर्थ यात्री हैं,
जो जगह जगह होकर आ रहे हैं, तो उनके भी परीक्षण की दिग्विजय सिंह ने मांग उठा दी है। तो बहुत तरह की चीजें हैं, अभी सदन में ना पहुंचे कैसे रोका जाए और कैसे हमारे साथ आ जाए, सब तरफ से इसकी कवायद है। बस खड़ी थी, मध्य प्रदेश की सियासत में रिजॉर्ट और बस पॉलिटिक्स जबरदस्त ढंग से उसकी एंट्री है। जब देखो बस, फिर एयर बस जी, फिर रिजॉर्ट, रिजॉर्ट, एयर बस, फिर बस। तो अब बस करो भाई, कुछ तो स्थिति स्पष्ट हो जाए। प्रदेश की जनता बार बार चिल्ला रही है, लेकिन लगता नहीं है कि अभी ये बस होने वाला है। सभी बेबस हैं इसके आगे। जी जी जी, चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस वक्त एक और खबर आ रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों के बीच जो मीटिंग चल रही थी, ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों भी राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। अब इसको तो सियासत की नजरों से देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल देखा जाएगा। शिवराज सिंह बड़े जबरदस्त दावेदार हैं, नरोत्तम मिश्रा भी दावेदार हैं, और लोटस नरेंद्र सिंह तोमर भी दावेदार हैं, और सिंधिया की जो पसंद कहे जा रहे हैं वो उसमें सबसे आखिरी में शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, नरेंद्र सिंह तोमर। और वहां की अगर हम सियासत देखें ग्वालियर चंबल संभाग की, तो एक केंद्रीय मंत्री उसी ग्वालियर शहर से, फिर दूसरा केंद्रीय मंत्री भी उसी ग्वालियर शहर से होगा। इसलिए ये तो तय है कि सिंधिया बिना केंद्रीय मंत्री की कीमत पर तो आए नहीं होंगे जी। केंद्रीय मंत्री तो जाहिर है वो बनेंगे ही, और ताकतवर केंद्रीय मंत्री बनेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर भी पांचवें नंबर के आसपास उनका नाम आता है जी। बहुत विश्वस्त है केंद्रीय नेतृत्व के जी। उनकी और शिवराज सिंह की जोड़ी बहुत मशहूर है। तो अब राजेश, उनमें से कहीं ना कहीं राजेश सक्सेना इस वक्त जुड़ रहे हैं, थोड़ा जानकारी ले लेते राजेश। अच्छा, डीआईजी ने क्या कहा ये देख लेते। राजेश ने वहां के डीआईजी से बात की है, किस तरह की सुरक्षा है वो देख लेते, फिर मैं लौट रहा हूँ रिजवान जी। राजा भोज, एयरपोर्ट पर धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है, और जितने भी यहाँ पर समर्थक हैं, चाहे वो सिंधिया समर्थक हों, चाहे कांग्रेस के समर्थक हों, या फिर बीजेपी के समर्थक हों, उनको यहाँ से हटाने का काम जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर वो कर रही है। इरशाद भली हमारे साथ में है। हम लोग को ये भी नहीं पता कौन किसके पक्ष का, जो भी यहाँ से फिजिकल खड़ा रहेगा गिरफ्तार कर लेंगे। धारा 144 लागू हो गई है। जो जब आएंगे उनसे पूछा जाएगा, उनकी गाड़ी होगी तो वो चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इरशाद भली जिस तरह से भोपाल डीआईजी इरशाद भली कह रहे हैं कि जिनका यहाँ पर कोई काम नहीं है वो यहाँ नहीं रह सकते, और असुरक्षा की जो स्थिति यहाँ पर बन रही है उसी के चलते जितने भी यहाँ पर समर्थक हैं उनको हटाया जा रहा है। और उसका असर अब साझे दिखाने की कोशिश करेंगे कि उसका असर साफ दिखने लगा कि पूरी तरीके से अब ये जो एयरपोर्ट का हिस्सा है जहाँ पर भारी जमावड़ा था वो बिल्कुल निश्चित तौर पर खाली हो गया है। आप देख सकते हैं साझे, इसको दिखाने की कोशिश करिए कि यहाँ पर इस तरह से खाली कराया गया है यहाँ पर, और बहुत जल्द ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि सारे सुरक्षा की दृष्टि से सभी को यहाँ से हटाया गया है। आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट डीआईजी इरशाद भली की तरफ से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जितने भी समर्थक थे उनको यहाँ से याद खदेड़ दिया गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस बीच में देखिए आप देखिए इस चित्र में लगातार अब यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से यहाँ पर एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है यहाँ पर। और इसका असर भी देखिए, ये हिस्सा जो पूरा अभी तक भरा था समर्थकों से वो खाली हो चुका है यहाँ पर। कैमरा पर्सन साजेब के साथ राजेश सक्सेना। जिस तरह से राजेश दिखा रहे हैं कि वहां पूरा खाली करवा दिया गया है, और मुझे लग रहा है कि ये जो तस्वीरें बता रही है कि थोड़ी देर में विधायक पहुंच सकते, खबरें भी इसी तरह की आ रही है कि थोड़ी बहुत देर में वो यहां पहुंच रहे हैं, और जिन विधायकों के लिए जगह खाली कराई गई शायद सुरक्षा की दृष्टि से भी कराया गया होगा, और जो सूचना होगी अफसरों के पास वो यही होगी कि थोड़ी बहुत देर में वो पहुंच सकते हैं। लेकिन इस वक्त बड़ा दिलचस्प नजारा भी होता है, और उन अफसरों के लिए बड़ी सांस ऊंची नीची होती रहती है कि हम क्या करें। डीआईजी इरशाद भली दिखाई दे रहे हैं बेचारे, अब वो समझ रहे होंगे कि आखिर होगा क्या, सत्ता किसकी रहेगी, सरकार किसकी होगी, मैं क्या करूं। ये अफसरों के सामने बड़ा एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है वासुदेव जी, जब राजनीतिक हालात कुछ ऐसे बन जाए किसी भी स्टेट में, तो हमें लगता है बड़ी दिक्कत पैदा होती होगी अफसरों को।
निश्चित रूप से जो स्थिति बनी है, एक तो मध्य प्रदेश में राजनीति में पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है, मतलब अपने देखते देखते जी जी पहले बनती रही हूँ कभी, और ये जो स्थिति बन रही है ये हमें आगे भी मध्य प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के दौर की शुरुआत भी आप इसको कह सकते हैं जी, है ना। अब जो होगा ठीक है, अभी क्या सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है ये आगे जब तय हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में कौन कहाँ, और ये तो तय है कि वो जो बाहर गए हैं उनकी सदस्यता भी जाएगी, ये सब कुछ होगा, फिर चुनाव होंगे, चुनाव के दौरान भी जो है देख, मध्य प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता ने एक दस्तक दे दी है, एक बात तो ये हो गई है जी। अब ये कब तक चलती है, कितने दिन तक चलती है, आने वाले चुनाव के बाद भी क्या यही स्थितियां बनेंगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन यहाँ पे जो बात है महत्वपूर्ण वो बात ये है, और जिसे अभी लोग नहीं पचा पा रहे हैं, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं पचा पा रहे हैं, और सिंधिया जी के समर्थक नहीं पचा पा रहे हैं जी जी, कि सिंधिया जी ने बीजेपी में जाने का फैसला क्यों लिया जी। जबकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बातचीत और चर्चाएं ये थी कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, और जो अलग पार्टी बनाने की चर्चा थी उस चर्चा पे पूरी तरीके से विराम लगा है। वो कैसे लगा, कहाँ से लगा, किसने लगवाया, और कौन बीच में ऐसा आ गया जी जिसने उस जिस चीज जिस बात पर सहमति बनी थी, बोले देवेंद्र शर्मा जो जिला ग्वालियर के अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो सिंधिया जी के साथ नहीं गए, उनका यही था कि भाई अलग पार्टी पार्टी बनाते तो हम साथ में थे सब, बहुत सारे मतलब लोग हैं। तो अब ये जो आया है और इसमें जिनकी बुआओं ज्योतिरादित्य की बुआओं की जो भूमिका है, उनकी सास की जो भूमिका है, ये सारी भूमिकाएं मिलके ज्योतिरादित्य की घेराबंदी तो की गई बहुत जबरदस्त बीजेपी में लाने की जी। अब आ चुके हैं, अब ज्योतिरादित्य जी कब तक रह पाएंगे बीजेपी में, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कल की टिप्पणियों के बाद, कल जैसी टिप्पणी की गई है, और बीजेपी के नेताओं की आप एक बात मानिए, वो जब बोलना शुरू करते हैं, भाषण देना शुरू करते हैं तो वो ज्यादा लोग लिहाज नहीं करते, बोल भी जाते हैं क्या बोले, वो जनता से जुड़ रहे होते, जनता किस पे तालियां बजाएगी जी वो भाषा बोलते हैं। तो खासकर आप उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ कह दिया जी। तो भाई आपको अभी ज्योतिरादित्य को बहुत असहज स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली दफा मैं वासुदेव जी थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मैं पहली दफा देखा हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया परिपक्व होते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि जो कुछ कहा हमें लग रहा था, क्योंकि वहां हम कवर कर रहे थे, वहां मौजूद था, तो मुझे लगा कि अब ये जो चीजें हैं वो मंच पर दिखाई देगी जैसे ही वो बोलेंगे। उन्होंने बोला भी, इशारा भी सिर्फ इतना कहा कि आप जो कह रहे हैं आप तो बाहर का देख रहे हैं, मैंने तो अंदर का देखा है और मैं खूब अंदर का देखा हूं। मतलब उन्होंने एक तरह से कहा जैसे उनको जो कह दिया गया था उनके लिए कहा, या किसके लिए, जिस शब्द का मैं अब इस्तेमाल नहीं कर रहा। देखिए जो तो कल मैं रिजवान जी के साथ था जी, मैंने ये कहा था कि भाई ये शिवराज सिंह को ही क्यों इतना वो, हाँ वही मुझे लग रहा है मैं पहली बारी वो शिवराज सिंह की बात उस समय कोई सुन नहीं पाया था, चर्चा में भी नहीं आई थी जी। तो ज्योतिरादित्य इस चीज को बहुत दिमाग में रखते हैं, आपको यही बताएं। लेकिन बाद जो उन्होंने भाषण दिया उसमें शिवराज की जमकर तारीफ की। अब आप किसके तारीफ के कई मायने लगा सकते हैं ना, भाई मैं समझ रहा हूं। वहां पे तो और भी लोग थे ना भाई, नरेंद्र सिंह तोमर की तारीफ क्यों नहीं की, अपनी बुआ की तारीफ क्यों नहीं की, नरेंद्र सिंह तोमर है, नरोत्तम मिश्रा है, या और लोग, नरोत्तम जी की हल्की सी तारीफ की, बड़े सुंदर बड़े सुंदर दिखाई देते वो, 84 से उनको देख रहा हूँ। इसलिए देखिए क्या है, इनके जब माधवराव सिंधिया जी ने अलग पार्टी बनाई थी और 2 साल बाद वो वापस कांग्रेस में, 2 साल में चले गए थे शायद, है ना? जी 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 एनडी तिवारी उन्होंने विकास कांग्रेस बनाई थी अलग से, और 2 साल नहीं रह पाए थे, 2 साल वो पार्टी में वापस कांग्रेस में हो गए, कांग्रेस के नेता थे वो शर्मा नेता। हम भी आज आप भी देख लीजिए कि सिंधिया ज्योतिराज सिंधिया में तो बहुत अक्खड़पन है, और अक्खड़पन है। एक नई चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, जो मेरी चर्चाओं से बात हुई थी कि जब अलग पार्टी बनाने की बात चली थी इनके समर्थकों के बीच में, जो मीटिंग हुई थी वहां पर जो लोग थे उनका कहना था कि ये कंजूस भी बहुत है, इनने अलग पार्टी इसलिए नहीं बनाई कि हमें खर्च करना पड़ेगा, और ये खर्च करने के चक्कर में ये जिम्मेदारियों से बचते भी रहे थे। आपको ये बताएं, ये चर्चा भी आई उनके समर्थकों के, कंजूस बहुत है, ये पैसे नहीं खर्च करना चाहते इसलिए वो उससे बचे हैं, तो ये चर्चा हुई। दूसरा क्या है कि ये जो पूरा दबाव बनेगा, खर्च की चर्चा तो 2018 के चुनाव में भी खूब हुई थी जी, जेब सिले हुए हैं, खर्च मतलब कंजूस कहते हैं, अपने पिताजी से भी ज्यादा कंजूस है, मतलब कंजूस माधवराव जी थे उन्हें, ठीक है वो चुनाव चल रहा। तो अभी आने वाले दिनों में ज्योतिरादित्य को मतलब
बीजेपी के अंदर बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा बहुत। दूसरा, कांग्रेस में उनको जितना सम्मान मिल चुका है हमें नहीं लगता, और किसी को भी नहीं लगता होगा कि बीजेपी में वो चीज वो हासिल कर पाएंगे। ठीक, मतलब वो पहला व्यक्ति है जो सोनिया जी से सीधे मिलते हैं जाके, राहुल जी से, प्रियंका जी से, कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता, दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता उनसे आगे चल के हाथ मिलाते हैं, उनको बहुत मान सम्मान दिया गया है। जी, और ये बीजेपी में मिल पाएगा मुझे नहीं लग रहा कि संभव है। दूसरा क्या है, जब जो ग्वालियर चंबल संभाग, अभी तो नया नया वो है, जब आगे जाएंगे, जब जो मैंने पहले ही बताया कि ग्वालियर में इस समय नरेंद्र सिंह तोमर सर्वमान्य नेता बीजेपी के हो चुके हैं जी, सारे वहां पे अपोजिशन के लोग भी, मतलब कांग्रेस के लोग भी नरेंद्र सिंह तोमर के घर जाने लगे हैं और भी तमाम लोग। अब वहां कैसे दो ध्रुव स्वीकार कर लिए जाएंगे कि नरेंद्र सिंह, आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर महल में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो आगे तो परिस्थिति बहुत बदलने वाली है। इसी बात को मैं रिजवान जी की तरफ लेकर चलता हूँ। रिजवान जी, अभी अभी हम नहीं कह रहे, अस्थिरता का दौर तो है, सरकार संकट में, इस बात से तो अभी तो मना नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल नहीं मना किया जा सकता। नहीं नहीं, जब अपने हो गए बेवफा तो फिर बहुत कुछ समस्याएं होती हैं जी। आप वो सिंधिया से वफादारी करें कि अपनी पार्टी से वफादारी करें, अपनी सरकार से वफादारी करें, ऐसे बहुत से असमंजस है, ऐसे बहुत नहीं। मैं वही एक मेरा सवाल यही था जी कि ये जो स्थितियां हैं बन रही है, सियासत में महासंग्राम नाम भी हमारा इसलिए कि संग्राम पता नहीं कब तक चलने वाला है, लेकिन एक यदि हम चंबल की तरफ चलते हैं तो इस समय तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, बीडी शर्मा वहां अध्यक्ष है, खुद नरेंद्र सिंह तोमर वहां से है, नरोत्तम मिश्रा जी वहां से है, और एक और बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से हो गए। तो जब बात किसी दूसरी तरफ जाएगी, कुर्सी की तरफ जाएगी, मध्यप्रदेश का मुखिया कौन हो, यदि ऐसी स्थितियां निर्मित होती है, तो क्या आपको लग रहा है कि सिंधिया ये समझ पाएंगे कि इस क्षेत्र का तो कम से कम उनसे बड़ा कोई ना हो? क्योंकि जब महाराज के वहां पर पहुंचेंगे, भवन में पहुंचेंगे, तो शायद उनको नहीं लगेगा कि मेरे यहाँ कोई इसी क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनकर आ जाए। इन सब जो स्थितियां निर्मित होंगी, इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, बहुत तरह की ऊहापोह होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में भी, और जैसा कि अभी वासुदेव शर्मा कह रहे थे कि जो सम्मान कांग्रेस में मिला, क्या वो बीजेपी में मिलेगा? कांग्रेस के सम्मान का एक अर्जुन सिंह जी के एक बहुत विश्वास पात्र, उनके बहुत निकट यूनुस है, उनका एक, मैं अभी कहीं सोशल मीडिया में उन्हें मैं पढ़ रहा था, उसकी सत्ता की मैं पुष्टि वैसे नहीं करता हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से सम्मान सिंधिया को कांग्रेस में मिला है, कि वो अपने दादा की उम्र के अर्जुन सिंह से जब मिलने आए और उन्होंने उनसे कहा कि अर्जुन सिंह जी आप कैसे हैं, तो क्या ये बीजेपी में वो किसी के साथ ऐसा कर पाएंगे, किसी को कह पाएंगे, जब वो बहुत छोटे थे तब का जिक्र है। तो ये वो जो एक राजसी और महल की जो सियासत है, जो आन बान शान जो है, और अभी एक चीज और है, आपने नाम लिए उसमें, आपने उनकी बुआओं के नाम नहीं लिए। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनकी जो बुआ है महल की राजनीति तो वो करती रही हैं, और उनके पास विरासत है राजमाता विजय राजे सिंधिया की। अब उसी विरासत का दावा, अभी तक तो वो माधवराव सिंधिया की विरासत का दावा करते थे ज्योतिरादित्य, अब वो अपनी दादी की विरासत का भी दावा उन्होंने ठोक दिया है। तो सिंधिया परिवार में इसकी क्या परिस्थितियां होंगी, इसलिए कि यशोधरा राजे अपने बेटे को भी विदेश में रहते थे, विदेश में पढ़ते हैं, वहां से बुलाकर इस बार चुनाव प्रचार में उन्होंने सक्रिय किया था पीछे, तो वो अपने बेटे को भी उस सियासत में कहीं ना कहीं लाना चाहेंगी। तो इन सारी चीजों के चलते सिंधिया कितना सहज महसूस करेंगे, इसलिए कि कांग्रेस की सियासत में तो वन मैन शो थे वो जी, डॉक्टर गोविंद सिंह हो, केपी सिंह हो, या अशोक सिंह हो, ऐसे कुछ इक्के दुक्के नेता, एनएल सिंह कंसाना हो जो अभी उनके शरणागत जी, जी। हैं, ऐसे ही कुछ इक्के दुक्के नेता जो महल की राजनीति से हटकर, कांग्रेस के अंदर भी महल की राजनीति से हटकर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखकर वहां सियासत कर रहे थे। और एक नाम और लेना बहुत जरूरी है जी, रामनिवास रावत माधवराव सिंधिया के दौर से भी बहुत निकट, बहुत करीबी है, बहुत निकट रहे हैं जी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, जैसा कि अभी वासुदेव जी कह रहे थे कि वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं शहर के देविंद शर्मा उन्होंने मना कर दिया उनके साथ जाने से। वैसे रामनिवास रावत एक बड़े नेताओं में सबसे पहला नाम रामनिवास रावत का ही था, उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, मैं मन से उनके साथ हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं कांग्रेस में रहूंगा। तो ये जो चीजें हैं, सिंधिया को बीजेपी
के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग कितना स्वीकार कर पाएंगे और अपने लोग पूरी तरह से उनके साथ, जो संगठ जो विधायक नहीं है, जो उससे बाहर है, जो संगठन में है, वो पूरे किस तरह से जाएंगे। अभी बहुत ढेर सारे द्वंद उन्हें झेलने पड़ेंगे। लेकिन सवाल हम उस वक्त जब आप बात कर रहे थे मुझसे, तो सवाल हमारा ये था कि वो राज्यपाल के पास नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान के साथ राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। जाहिर है इन विधायकों के बारे में ही कोई ना कोई चर्चा होगी। फ्लोर टेस्ट की मांग उनसे नहीं कर सकते? फ्लोर टेस्ट की मांग विधानसभा अध्यक्ष से करनी पड़ेगी। अभी विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद है। नहीं, जो खबर आ रही कि वो राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। हाँ। लेकिन राज्यपाल अभी इस सारे मामले में तटस्थ की भूमिका में है। वो एक सिफारिश, एक सुझाव तो दे सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष को कि इन्होंने इस तरह का मुझे पत्र लिखा है, आप फ्लोर टेस्ट। चलिए राजेश जुड़ रहे हैं, अपन लौट रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश, फिर वहां क्या, मुझे लगता है कि धारा 144 लग गई है और तकनीकी रूप से हो सकता है बड़ा दिक्कत हो रही है। हो सकता है डाटा जो है वो बंद करने का एक सिस्टम आजकल पुलिस ने अपना लिया है। वैसे इरशाद वली बड़े समझदार से अफसर हैं और बड़े मृदुभाषी भी हैं और वो बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी चीज़ों को करते हैं। लेकिन अगर उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, मीडिया में भी बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, तो अब जिनके पास वो भी वैन होगी उनको छोड़कर बाकी सारे लोगों की धीरे धीरे चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी यहाँ वहाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस पूरे एरिया को आइसोलेट करने की प्लानिंग है पुलिस की, सुरक्षा बनाए रखने की प्लानिंग है। बस सियासत अब वहाँ से शुरू होने वाली है और विधानसभा अध्यक्ष तक पहुँचेगी। विधानसभा अध्यक्ष के रुख पर बहुत कुछ निर्भर करता है जी, कि वो कितने बार में संतुष्ट होते हैं, अभी उनका मुतमईन होना। चलिए जो खबर आ रही है जरा उसको देख लेते हैं। एक बड़ी खबर जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और तमाम बड़े चार नेता इस वक्त मुलाकात किए हैं और राज्यपाल जी से, और उसके बाद क्या है ये, इस तरह की खबरें आ रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया राजभवन पहुंचे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, और चारों के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात में ऐसा कहा जा रहा है जिसका हम आगे बढ़ा भी रहे थे, फ्लोर टेस्ट की मांग की है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर है, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजभवन पहुंचे हैं और वहां जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। चलिए लौटता हूं स्टूडियो वापस, और इसी खबर पर हम चर्चा भी कर रहे थे। रिजवान जी, बात आगे बढ़ाई। ये मांग कर सकते हैं, मांग करना उनका अधिकार है। सुरक्षा मांग सकते हैं अपने विधायकों के लिए, वो और भी बहुत सारी तरह की चीजें कर सकते हैं। वो सरकार पर भी खरीद फरोख्त का आरोप लगा सकते हैं, इसलिए कि अभी हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप सरकार लगा रही है, मुख्यमंत्री लगा कर आए हैं, वो भी लगा सकते हैं, इसी तरह के आरोप लगा सकते हैं। दबाव बनाने की बात कर सकते हैं कि वो विधायकों को। राजेश आ गए वापिस। राजेश राजेश, मेरी आवाज सुन पा रहे? राजेश जी, जी जी राजेश, क्या हालात है ताजा, कब तक पहुंच रहे हैं विधायक? और कहा यह भी जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें सभी विधायक एक साथ आने की संभावना है, जिन नामों का जिक्र उसमें नहीं है वो भी आ रहे हैं। ये मेरे पास खबर है, आपके पास खबर है या नहीं, इस तरह की खबरें आ रही? और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आज जो बुलाए गए 6 विधायक है के अलावा यह किसी से नहीं करेंगे आज मुलाकात, वो सिर्फ 6 विधायकों से मुलाकात करेंगे, इस तरह की खबरें भी आ रही। लेकिन आप एयरपोर्ट पर मौजूद है, क्या कह रहे हैं वहां के लोग, कब तक आ सकते हैं विधायक? देखिए मनोज जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर राजा भोज एयरपोर्ट पर इस समय हम मौजूद हैं, और शुरू से ही जिस तरह से थोड़ी देर पहले यहाँ पर 144 धारा लगाई गई थी, उसके बाद जो एयरपोर्ट का हिस्सा है वो अब यहाँ से खाली है, सिर्फ मीडिया कर्मी और भारी सुरक्षा बल वही यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ तकरीबन ये माना जा रहा है कि एक घंटे बाद जो विधायक हैं जो बेंगलुरु से भोपाल लाए जा रहे हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि वो 13 की सूची आई थी, 13 की जो लिस्ट आई थी, उसके अलावा भी अन्य विधायक भी यहाँ पर आ सकते हैं, इस तरह की खबर यहाँ पर भी है। भारी सुरक्षा बल है, लेकिन थोड़ी देर पहले जिस तरह से यहाँ पर अचानक हरकत फिर एक बार बढ़ी, क्योंकि जब 144 धारा का यहाँ पर अनाउंस किया गया उसके बाद पूरा जो राजा भोज एयरपोर्ट है वो खाली कराया गया, तो थोड़ा शांति का माहौल यहाँ पर जरूर उस समय बना। लेकिन एक बार फिर जो सुरक्षा बल हैं, जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं, वो हालत में आए हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पोजीशन ली गई है। इससे लगता है कि बहुत जल्द वो विधायक जो बेंगलुरु से यहाँ आना है वो आएंगे,
और एक बस जो दो बस यहाँ पर, उन दोनों बसों में पहले थोड़ा अंतर था, एक बस को फिर दूसरी बस के बिल्कुल नजदीक लाया गया है और उस जगह पर ये दोनों बसें लगी हैं, वो जो जहाँ से ये विधायक निकलेंगे उसके ठीक सामने यहाँ पर ये बसें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ इन बसों में बीजेपी के कई नेता इसमें मौजूद हैं, चाहे बात करें जो बीजेपी संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, कई कार्यकर्ता इन बसों में पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं और बैठे हुए हैं। हालांकि जब उनसे कुछ चर्चा करने की कोशिश की जाती है तो उन्होंने किसी भी तरह की चर्चा करने से साफ मना किया है। खासतौर पर बृजेंद्र सिंह सिसोदिया इसमें यहाँ पर मौजूद है, बंसीलाल गुर्जर इसमें मौजूद है, तमाम सारे अन्य नेता भी इसमें मौजूद है जो अंदर बस के बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि अब ये माना जा रहा है तकरीबन एक घंटे के आसपास जो विधायक है बेंगलुरु से वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी चलिए ठीक है, निगाह बनाए रखिएगा और ताजा कुछ जानकारी होंगी तो जरूर आप पास लौटेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अभी और इंतजार करना होगा उन विधायकों का जो यहाँ पहुंचने वाले हैं, और खबर ये भी आ रही है कि जो विधायक यहाँ आने वाले हैं हो सकता है कि जिनका नाम इस सूची में नहीं है वो बढ़कर और हो जाए, यानी जितने विधायक वहां पर है वो सभी एक साथ लौट आएंगे, इस तरह की खबरें आ रही। सोशल मीडिया पर खबरें बड़ी तेजी से चलती है और ये दौर कुछ अलग है, अलग मीडिया का दौर है, तो बड़ी बड़ी खबरें आती रहती, कुछ ताजा खबरें भी आती रहती, किसमें कितना दम ये हम नहीं कह रहे, पर ये मानकर चलिएगा कि आज विधायक लौट रहे हैं रिजवान जी, और जब विधायक लौटेंगे तो फिर सियासत जमकर एक बार दिखाई देगी मध्य प्रदेश की। बिल्कुल, इसकी उम्मीद है सबको कि एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, हो सकता है वो मीडिया के सामने भी आए, हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष उनको अगली तारीख फिर दे दें, और बहुत ढेर सारी संभावनाएं हैं, और अब उन्हें फिर वापस भेजा जाएगा या फिर वो यहीं रहेंगे, यहाँ सुरक्षा में रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, उनके साथ सुरक्षा में किसे किसे लगाया जाएगा, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं, और ये तो हर पल आजकल खुली जेल भी हो गई। बिल्कुल चूंकि अब नहीं, मैं जेल की बात मतलब नहीं कर रहा हूँ, जेल का मतलब ये होता है आपकी बात परिवार के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मतलब परिवार को उनके पास पहुंचा दिया जाए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं जी, और उनके सम्मान की रक्षा करना क्या दायित्व सरकार का भी है और विधानसभा का अध्यक्ष का भी है, और हम मीडिया वालों का भी नैतिक कर्तव्य है कि वो ऐसा उन्हें माहौल मिले, ऐसा ऐसी परिस्थितियां मिले कि वो अपनी बात, अपने मन की बात बेहतर ढंग से वो अपने विवेक से सोच सकें, समझ सकें, अपने भविष्य को समझ सकें जी, और जनता को जो वादे करके आए उसे वो पूरे कर सकें। तो ये सब तरह की परिस्थितियां हैं, अब इसके लिए वो अगला कदम उनका क्या होगा जी, बहुत देर लग गई है, ऐसा क्या कारण है जो इतना देर लग रही है, ऐसी क्या वजह है वास्तव जी, क्या आप क्या देख रहे हैं जो देरी हो रही है लगातार, हम देख रहे हैं कि सुबह से ये चर्चा चल रही है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना था। हाँ, पहले दिन ये कहा गया था कि शाम को 6 बजे ज्वाइन करेंगे, फिर कहा 12 बजे, फिर बढ़ते बढ़ते ये समझ आया कि राहु काल चल रहा था इसलिए वो 2 बजे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ भी कोई ऐसा काल चल रहा होगा क्या? राहु काल तो नहीं चल रहा है कि अभी आना ठीक नहीं है, ये तो अलग चीज है, काल चल रहा हो कि नहीं चल रहा, कॉल जरूर चल रही है, और किस लोगों की कॉल हो रही है और कुछ लोगों की मिस कॉल हो रही है जी। और मनोज जी, जो इनको जो विधायक जो लौट के आ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि इनको ये भोपाल में ही रखेंगे क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है भोपाल में नहीं रखेंगे, इन्हें तुरंत कहीं ले जाना पड़ेगा, सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश करेंगे और ले जाना पड़ेगा जी जी जी, जो मैं पहले भी कहा, और मध्य प्रदेश में भी रखेंगे कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो बीजेपी का और सिंधिया जी का इस बार फोकस पहुंचा दे कहीं कि इन विधायकों को उनके अपने लोगों से दूर रखा जाए जी, उनको आइसोलेशन में रखा जाए, क्योंकि अगर ये खुले में आ गए, अगर ये राजनीतिक वातावरण में आ गए तो बदलने में टाइम नहीं लगेगा जी जी, क्योंकि ये सबके सब राजनीतिक लोग हैं जी, इसीलिए तो इतनी दूर ले जाया जाता है और आगे भी, अब चीज तो जब शुरू होगा जब भोपाल में जो लोग आ जाएं, फिर कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, चीज अब खेल तब शुरू होगा। देखिए, संवाद से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं और बड़ी बड़ी संधियां हो जाती हैं संवाद से, इसलिए संवादहीनता सफलता होती है ऐसे भी किसी भी बड़े अभियान की, कि आप अपने आसपास जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप उनको बताना चाहते हैं, जैसा आप उन्हें समझाना चाहते हैं, उसी के इर्द गिर्द सारी तरह की चीज़ें कीजिए, सारी कवायदें कीजिए, और दूसरे पक्ष को उनसे मिलने नहीं दीजिए। कई तरह के नेगोशिएशन हो सकते हैं, कह सकती है सरकार कि भैया आप पूरे के पूरे जितने 20 हो ना, सभी मंत्री बन जाओ, सारे मंत्री हट चुके हैं, अभी तो सरकार बचानी है,
ऐसी भी बहुत ढेर सारी। इस समय ये नहीं, इन्हीं 19-20 लोगों की सारी उंगलियां घी में है। बिल्कुल 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 ऐसा सारी तरह की चीजें हो सकती हैं, सारे नेगोशिएशन हो सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि भैया अगर कहीं और जाओगे तो बहुत तरह की समस्याएं खड़ी होंगी, दोबारा जीत कर आओगे नहीं आओगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी इसी अपनी ही पार्टी में रहो, सबके सब मंत्री बन जाओ और आने वाले वक्त में आपको और ध्यान रखा जाएगा और ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा। ये 22 लोगों ने एक और दिलचस्प बात कर दी है कि जो बेचारे सपा बसपा के लोग हैं उनकी चर्चा ही होना बंद हो गई, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी मिल गई है ऐसा मानकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी कि हमारे पास 22 लोगों की बड़ी संख्या, उसमें सपा बसपा का कोई नहीं है, निर्दलियों की बात नहीं हो रही है, तो 22 विधायक सपा बसपा का गणित भी बिगाड़े। देखिए निर्दलियों का और सपा बसपा का कहीं ना कहीं सम्मान बना रहना रहेगा, इसलिए कि जब इस तरह की सरकार होगी, सरकार कोई भी बना ले कोई भी बचा ले, लेकिन सरकार तो बहुमत के बहुत आसपास ही होगी। अगर ये 20 इस्तीफा दे देते हैं तो ये सारे 20 जीत जाएंगे, इसकी गारंटी ये नहीं भी नहीं, बिल्कुल सही, इसकी गारंटी नहीं है। और इसके अलावा और क्या होने वाला आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की सियासत में, कितने तरह के और हमें दांव पेंच देखने हैं, इसलिए कि होली के समय से शुरू हुई चीज़ रंग पंचमी तक आ गई है, उसके बाद भी मुझे लग रहा है रंग पंचमी पर भी बात बनने वाली नहीं है। वासुदेव जी एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। आपने जो सपा बसपा विधायकों की बात की, इस पूरे खेल में खेल तो बिगड़ गया बीएसपी का। भाई संजीव कुशवाहा सक्रिय हुए थे जी, वो इसलिए सक्रिय हुए थे और ये उनसे कमिटमेंट भी किया गया था कि उनके पिताजी है राम लखन जी जो 3 बार एमपी रहे हैं उनको राज्यसभा में जाना था, ये कमिटमेंट बीजेपी की तरफ से भी था और कांग्रेस की तरफ से भी था जी। तो नुकसान तो रामलखन कुशवाहा का हो गया, ये भूल गए सब। भाई जो दूसरा सीट थी वो बीजेपी ने ऑफर की थी रामलखन को, कांग्रेस ने भी की थी, मतलब तो खेल तो असली खेल तो वहां बिगड़ गया, बंदे ने तो सपने देख लिए थे, तो खेल तो बहुत सारी चीजें बिगड़ी हैं। और क्या देख रहे हैं आप, क्या दिखने वाला अभी तो, यदि हम मान लीजिए क्या क्या नजर आ रहा है आपकी जो संजय जैसी नजरें हैं दूर तक, वो क्या कह रही है? देखो मैं वासुदेव जी है तो वासुदेव जी तो ये तो वैसे ही चक्र बिल्कुल वो तो देखो सुदर्शन चक्र आपके पास बाढ़ में भी निकल जाते हैं, तो अब उसी की था देख रहे हैं। मैंने एक आज एक कहीं चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था कि ये जो पूरा है इन कुछ नहीं किया जाए, इन विधायकों को इनके क्षेत्र में 5 दिन के लिए भेज दिया जाए और वहां से जब लौट के आएंगे आप लिख लो, वो जय जय कमलनाथ करते हुए आएंगे। कार्यकर्ताओं कतई नहीं चाहता कि ये सरकार गिरे, मैं आपको बताऊं ये कैसे संभव है। ये एक ऐसी मांग है, ये एक इस तरह की मांग है जो जो सियासत में तो संभव नहीं है जी। और ये कोई अदालत आपसे कहा था, ये कोई अदालत भी ऐसे फैसले करने वाली नहीं, इसलिए मैंने शुरुआत में राजेश राजेश मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त एयरपोर्ट से दिखाई दे रहे हैं। राजेश मतलब अभी जैमर नहीं लगा जी, राजेश जरूर कर सकती थी कि वो सीधे एयरपोर्ट से विधानसभा। राजेश जी जी बताइए नजारा क्या दिखा रहे हैं आप और क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मनोज जी, निश्चित तौर पर थोड़ी देर पहले जब हमने आपसे चर्चा की तो वही है संकेत, वही है, तकरीबन 5:10 अभी बाकी है। जिस तरह से खबरें आ रही है कि करीब 6 बजे के आसपास वो विधायक जो 13 की सूची है या जो फिर अन्य विधायक है वो राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं मनोज जी, यहाँ पर बड़ी तैयारियां यहाँ पर है, पुख्ता इंतजाम है। लेकिन इसकी इतर अगर हम बात करें कि वो रास्ता जो राजा भोज एयरपोर्ट के लिए आता है तकरीबन यहाँ से 0.5 किलोमीटर की दूरी में, हालांकि ये पूरा क्षेत्र जिस तरह से 144 धारा यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन उसके बाद 144 धारा के बाद का जो हिस्सा है वहाँ पर भी जो कार्यकर्ता है, चाहे वो सिंधिया समर्थक हो, चाहे वो कांग्रेस समर्थक हो या फिर बीजेपी के हो, बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। तमाम सारी गाड़ियां वहां पर मनोज जी लगी हुई हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो स्थितियां यहां पर हैं, निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हालांकि जो राजा भोज एयरपोर्ट है जहाँ पर 2 बसें हल्का, में चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन साजेद से कि हल्का सा मूव करने की कोशिश करें और वो जो 2 बसें यहाँ पर लगी हुई हैं उनको दिखाएं, जिसके जरिए ये जो विधायक यहाँ पहुंचेंगे राजा एयरपोर्ट पर। ये दोनों बसें हैं, आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की ये बसें, इसमें मोनिका लिखा हुआ है, ये दोनों बसें हैं। इन बसों के जरिए और इन्हीं दोनों बसों में जो बीजेपी के कई नेता यहाँ पर उसमें मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ठीक सामने यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पर भी तैनात है।
और इसके ठीक सामने का जो हिस्सा है वहाँ पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से सभी तैयारियां यहाँ पर है कि जैसे ही जितने भी विधायक है जो बेंगलुरु से यहाँ पर आएंगे तो पूरी तरीके से। चलिए राजेश साहब, निगाह बनाए रखिएगा, मुझे लग रहा है तकनीकी वहां पर जैमर चालू होगा, तो जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बातों को समझ रहे हैं और जितना आप दिखा पाए उससे समझ आ रहा है कि अब वहां की स्थिति सामान्य है। दो बसें लगाई गई बहुत नजदीक नजदीक और ताजा जानकारी यह है कि अब 6 बजे के आसपास जो विधायक आने वाले वो आ सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि और इंतजार भी करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मनोज जी, अगर 6 बजता है नहीं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रिजवान जी, इस पर चर्चा करेंगे हम। बड़ी खबर यह आ रही कि राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की सलाह पर मंत्रिपरिषद के 6 सदस्यों को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से पृथक कर दिया है, बर्खास्त कर दिया जी, बर्खास्त कर दिया है। इन मंत्रियों के नाम है इमरती देवी, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न तोमर और प्रभुराम चौधरी। सूत्रों के हवाले से ये फिर खबर आ रही, मैं सूत्र हमेशा जोड़ देता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसी खबर, इसलिए कि इस समय सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गजब खेल खेल रही है। जब विधानसभा अध्यक्ष के नाम से भी फर्जी अकाउंट से चीजें डाल सकते हैं लोग, तो बहुत बहुत हमें सावधानी पूर्वक सारी चीजों में। लेकिन मुख्यमंत्री ने सिफारिश की है, राज्यपाल बहुत देर तक उसे रोक नहीं सकते हैं, इसलिए कि जो प्रक्रिया यही है, मुख्यमंत्री सिफारिश करेंगे और राज्यपाल उसे माने। चलिए अब विराम लेते हैं यहाँ। और एक चीज बहुत जरूरी है मनोज, एक चीज बहुत जरूरी है, अगर 6 बज जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष ने क्या समय दिया है, कितने बजे तक पहुंचने के लिए कहा था, तो क्या अगर इतना देर करके आए लीजिए हाँ, तो आज विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात हो पाएगी, वो नियत समय पर पहुंच पाएंगे, उनकी उनकी क्या अगली तारीख बढ़ जाएगी, ऐसी भी तकनीकी बहुत ढेर सारी चीजें अब नए सिरे से जन्म लेने लगी हैं। और 13 हैं कि पूरे 22 हैं, या 13 हैं 9 कहीं और हैं, क्या 13 क्या मेरा में बहुत ढेर सारी चीजें फंसी हुई हैं, उलझी हुई हैं और सबकी निगाह। और यहाँ आते आते ऐसा भी हो जाए कि 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा क्या पता लगा कि बिल्कुल। चलिए ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें, तेजी से सियासत के महासंग्राम में इतना ही, और तेजी से सियासत बदल रही। खबर जो सबसे बड़ी थी एक बार और दिखाने का प्रयास करूंगा, बड़ी ब्रेकिंग बड़ी खबर आ रही है, खबर यही है कि लालजी टंडन ने 6 सदस्यों को बर्खास्त कर दिया है। ये आप देखिएगा टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर यही है कि 6 सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पृथक यानी बर्खास्त कर दिया है। और ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है उन नामों में है इमरती देवी, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, और इस बड़ी खबर के यदि ये हो गया है, चलते चलते छोटी 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 प्रतिक्रिया आपसे ले लेता हूं रिजवान जी, यदि ये हो गया, 6 को बर्खास्त किया गया तो अब क्या होगा? ये मंत्री पद है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, सरकार ने उसी दिन तय कर लिया था जब उनसे संपर्क नहीं हो रहा था कि इन्हें हटा देना है, ठीक है बस। तो अगर ये मान जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर आगे की कार्रवाई होंगी। आप क्या देख रहे हैं वासुदेव जी? अपने मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए थे, ये बाहर थे इनके भी इस्तीफे इन्हें दिए नहीं थे जी, तो इन्हें राज्यपाल के जरिए इनसे इस्तीफे ले लिए हैं, अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल नहीं है। चलिए ये है वो कमलनाथ जी है, ये बड़ी खबर है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल में अब इन जो विधायक है उनके जो मंत्री थे उनके भी इस्तीफे ले लिए हैं और उनको पृथक कर दिया, यानी कोई मंत्रिमंडल अब मध्य प्रदेश में नहीं रहा। लेकिन 15 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, इसका भी जवाब नहीं है। खैर, बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड पर और देखते रहिए ताजा खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।